दोस्तों आप लोगों ने सीरीज तो काफ़ी सारी देखी होगी पर कुछ ऐसी सीरीज भी बनाई गई है जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो कि सत्य घटना पर बनाई हुई है आज हम ऐसी एक कमाल की सीरीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और अब तो आप इसे फ्री में भी देख सकते हैं तो चलिए इस कमाल की सीरीज के बारे में बात करते हैं कहा पर ही आपको देखने को मिलेंगी साथ ही में इसके थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों ये सीरीज बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग एक बार तो जरूर देखिएगा इस सीरीज का नाम है ताली जिसे 2023 में रिलीज कराया गया था और ये पर बनी हुई सीरीज है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये सत्य ना पर आधारित है इसकी रेटिंग बहुत ही शानदार निकल के आई है जो आई है वहाँ पर दस में से आठ की रेटिंग मिली है जो कि वाकई एक बहुत ही बढ़िया रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर एटी फाइव परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया था और इस सीरीज़ की जो डायरेक्टर है वो दोस्तों रवि यादव रहे हैं हालांकि वो एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की फिल्में उन्होंने बना रखी है और हाल ही में इनकी एक मूवी भी दोस्तों आई थी मैं अटल हूँ जो काफ़ी बढ़िया रही इस मूवी को भी लोगों ने खूब प्यार दिया है तो अगर हम ताली सीरीज़ के बारे में थोड़ी बात करें तो अगर आप इसे अभी हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ को दोस्तों हिंदी में एकदम फ्री में देख सकते हैं जियो सिनेमा पे, जियो सिनेमा पे यह आपको एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी यहाँ पर ड्रामा भी है और अमित राज का म्यूजिक भी है जो कि एक बेस्ट कॉम्बो बनाता है इस सीरीज़ को इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और इससे आपको लाइफ में बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस सीरीज की लीड का सुष्मिता सेन है और भी यहाँ पर है जैसे कि कुर्दिका का डीओ अंकुर भाटिया शीतल काले सूरत जोशी विक्रम भाव हेमांगी कवि ऐश्वर्या नरकार हेमंत चौधरी नंदू माधव माया रचेल एम सीमानुस ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं खैर यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है इसे आप लोग फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये एक सीरीज़ है और सीरीज़ को कोई सेंसर की जरूरत तो पड़ती नहीं है और ऐसे ये प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है तो हो सकता है कि आपको इसके अंदर कुछ ख़राब सीन देखने को मिल सकते हैं बहुत सारे ऐसे सीन होंगे जो शायद आपको हरान कर सकते हैं इसलिए आप इसे अकेले देखिए एक आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है दरअसल इस मूवी की जो कहानी है वो गौरी सावंत ने अपने जीवन में सर्व सर्वी संघर्ष जो है पूरा दिखाया है जब वे छोटे थे उस समय से ही उसकी माँ गुजर जाती है उसके अपने पिता तक भी स्वपुर नहीं होती है जो उन्हें इस दुनिया में लेकर आए हैं उनकी बड़ी बहन ने उन्हें नकारा था जब बाहर गई तो लोगों ने नकारा हर जगह से ठोकरें खानी पड़ी ये तो समय था जब गणेश की आत्मा में गोरी हावी हो रही थी और गणेश की बेबसी गौरी की दहाड़ में तब्दील हो रही थी फिर तो वक्त भी आया जब गणेश ने पूरी तरह से खुद को गौरी में बदलने का ठान लिया था और यह बदलाव एक मामूली बदलाव नहीं था ये बदलाव पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाने वाला था जो सिद्धियों से नहीं हुआ था वो बोलने वाला था एपिसोड की ये सीरीज जो है शोट रखा गया है और गौरी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण इंसिडेंट को इसमें शामिल किया गया है उनका घर छोड़ना किन्नर जाति में शामिल होना एक माँ के तौर पर खुद को विकसित करना और उन भरस को निभाना साथ ही किन्नर समाज के हक के लिए लड़ना ये सारे घटनाक्रम इस वेब सीरीज के अंदर आपको दिखाया गया है श्री गौरी जीवन श्री गौरी जी का जो जीवन है वो यहाँ पर गाथा आप देख सकते हैं अपने गम बोल जाएंगे और गौरी दशरथ मांझी थी जिन्होंने खुद घटिया मानसिकता और सड़ जोड़ी सड़ चुकी धरणाओं से पहाड़ को अपनी क्रांति की कुल्हाड़ी से काटा और पूरे किन्नर समाज के लिए रास्ता बनाया है इसकी कहानी तो काफ़ी सही है ही साथ ही में जो सुशेदा सैन है वो शायद इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट बैठती है मेरे हिसाब से शायद उनकी जगह पर कोई और होता तो इतनी कमाल की एक्टिंग शायद नहीं कर पाता भले उन्हें बॉलीवुड में अन्य लीडिंग एक्ट्रेस की तुलना में कम तोज्जो मिली है लेकिन जब जब उनके ऊपर कोई डायरेक्टर ने भरोसा किया है तो उन्होंने है डील जरूर जीत लिया है डायरेक्टर का वो निराश बिल्कुल भी नहीं करती है इस बात का एग्जाम्पल आप आर्य सीरीज से भी ले सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है अगर आपने इसे नहीं देखा तो आपने बहुत ही बेहतरीन सीरीज को मिस किया है मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों रोज़ाना आप ऐसी बहुत सारी फालतू की मूवीज़ देख लेते हैं इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास ये सीरीज़ है जिसे आप एक बार देख सकते हैं ये आपको निराश तो नहीं कराएंगी पर हाँ ये सीरीज़ दोस्तों आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी बहुत ही अच्छी और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है तो आपको आपके पास अगर समय और टाइम थोड़ा बहुत मिले तो आप इसके एपिसोड बारे बारे देख सकते हैं जो आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे और अब तो ये ऊपरी में भी उपलब्ध है क्योंकि दोस्तों हमें उन्हें जो चीज़ है हम जो देखते हैं उसे सीखते हैं अगर कोई आकर आपको कुछ बताएगा यही स्टोरी आपको कोई बताएगा तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा मगर यही स्टोरी आप देखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ समझ आ जाएगा हालांकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप इसे अपने जीवन में ज़रूर उतार सकते हैं क्योंकि एक अकेला आदमी दोस्तों बहुत कुछ बदल सकता है ये बात यहाँ पर सच साबित होने वाली है तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो इस सीरीज़ को आप लोग एक बार तो जरूर देखिए दोस्तों ये आपको पसंद तो जरूर आने वाली है दोस्तों आप लोगों ने सीरीज तो काफ़ी सारी देखी होगी पर कुछ ऐसी सीरीज भी बनाई गई है जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो कि सत्य घटना पर बनाई हुई है आज मैं ऐसी कमाल की सीरीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और अब तो आप इसे फ्री में भी देख सकते हैं तो चलिए इस कमाल की सीरीज के बारे में बात करते हैं कहाँ पर यह आपको देखने को मिलेंगी साथ ही में इसके थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों ये सीरीज बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिएगा इस सीरीज़ का नाम है ताली जिसे 2023 में रिलीज कराया गया था और ये पर बनी हुई सीरीज है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये सत्य घटना पर आधारित है इसकी रेटिंग बहुत ही शानदार निकल के आई है जो आई डीबी है वहाँ पर दस में से आर्ट की रेटिंग मिली है जो कि वाकई ही एक बहुत ही बढ़िया रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर एटी फाइव परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया था और इस सीरीज़ के जो डायरेक्टर है वो दोस्तों रवि यादव रहे हैं हालांकि वो एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की फिल्में उन्होंने बना रखी है और हाल ही में इनकी एक मूवी भी दोस्तों आई थी मैं अटल हूँ जो काफ़ी बढ़िया रही इस मूवी को भी लोगों ने खूब प्यार दिया है तो अगर हम ताली सीरीज के बारे में थोड़ी बात करें तो अगर आप इसे अभी हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को दोस्तों हिंदी में एकदम फ्री में देख सकते हैं जियो सिनेमा पे जियो सिनेमा पे यह आपको एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर ड्रामा भी है और अमित राज का म्यूजिक भी है जो कि एक बेस्ट कॉम्बो बनाता है इस सीरीज को इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और इससे आपको लाइफ में बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस सीरीज़ की लीड का सुष्मिता सेन है और भी यहाँ पर कास्टिंग है जैसे कि कुर्दिका का डीओ, अंकुर भाटिया, शीतल काले सूरत जोशी विक्रम भाव हेमांगी कवि ऐश्वर्या नरकार हेमंत चौधरी नंदू माधव माया रचेल एम सीमानू ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं खैर यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है इसे आप लोग फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये एक सीरीज़ है और सीरीज़ को कोई सेंसर की जरूरत तो पड़ती नहीं है और ऐसे ये प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है तो हो सकता है कि आपको इसके अंदर कुछ ख़राब सीन देखने को मिल सकते हैं बहुत सारे ऐसे सीन होंगे तो शायद आपको हैरान कर सकते हैं इसलिए आप इसे अकेले देखिए एक आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है दरअसल इस मूवी की जो कहानी है वो गौरी सावंत ने अपने जीवन में सरवी संघर्ष जो है पूरा दिखाया है जब वे छोटे थे उस समय से ही उसकी माँ गुजर जाती है उसके अपने पिता तक भी स्वपुर नहीं होती है जो उन्हें इस दुनिया में लेकर आए हैं उनकी बड़ी बहन ने उन्हें नकारा था जब बाहर गई तो लोगों ने नकारा हर जगह से ठोकरें खानी पड़ी ये तो समय था जब गणेश की आत्मा में गोरी हावी हो रही थी और गणेश की बेबसी गोरी की दहाड़ में तब्दील हो रही थी फिर तो वक्त भी आया जब गणेश ने पूरी तरह से खुद को गौरी में बदलने का ठान लिया था और ये बदलाव एक मामूली बदलाव नहीं था यह बदलाव पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाने वाला था जो सिद्धि से नहीं हुआ था वो बोलने वाला था छः एपिसोड की ये सीरीज जो है वो शोर्ट रखा गया है और गौरी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण इंसिडेंट को इसमें शामिल किया गया है उनका घर छोड़ना किन्नर जाति में शामिल होना एक माँ के तौर पर खुद को विकसित करना और उन बर्स को निभाना साथ ही किन्नर समाज के हक के लिए लड़ना ये सारे घटनाक्रम इस वेब सीरीज के अंदर आपको दिखाया गया है श्री गौरी जीवन श्री गौरी जी का जो जीवन है तो यहाँ पर गाथा आप देख सकते हैं अपने गम बोल जाएंगे और गौरी दशरथ मांझी थी जिन्होंने खुद घटिया मानसिकता और सड़ जोड़ी सड़ चुके धरणाओं से पहाड़ को अपनी क्रांति की कुल्हाड़ी से काटा और पूरे किन्नर समाज के लिए रास्ता बनाया है इसकी कहानी तो काफ़ी सही है ही साथ ही में जो सुशेदा सहन है वो शायद इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट बैठती है मेरे हिसाब से शायद उनकी जगह पर कोई और होता तो इतनी कमाल की एक्टिंग शायद नहीं कर पाता भले उन्हें बॉलीवुड में अन्य लीडिंग एक्ट्रेस की तुलना में कम तोज्जो मिली है लेकिन जब जब उनके ऊपर कोई डायरेक्टर ने भरोसा किया है तो उन्होंने है दिल जरूर जीत लिया है डायरेक्टर का वो निराश बिल्कुल भी नहीं करती है इस बात का एग्ज़ाम्पल आप आर्य सीरीज से भी ले सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है अगर आपने इसे नहीं देखा तो आपने बहुत ही बेहतरीन सीरीज को मिस किया है मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों रोजाना आप ऐसी बहुत सारी फालतू की मूवीज़ देख लेते हैं इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास ये सीरीज़ है जिसे आप एक बार देख सकते हैं ये आपको निराश तो नहीं कराएंगी पर हाँ ये सीरीज़ दोस्तों आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी बहुत ही अच्छी और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है तो आपको आपके पास अगर समय और टाइम थोड़ा बहुत मिले तो आप इसके एपिसोड बारे बारे देख सकते हैं जो आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे और अब तो ये में भी उपलब्ध है क्योंकि दोस्तों हमें होनी जो चीज़ है हम जो देखते हैं उसे सीखते हैं अगर कोई आकर आपको कुछ बताएगा यही हिस्टोरी आपको कोई बताएगा तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा मगर यही हिस्टोरी आप देखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ समझ आ जाएगा हालांकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप इसे अपने जीवन में ज़रूर उगा सकते हैं क्योंकि एक अकेला आदमी दोस्तों बहुत कुछ बदल सकता है ये बात यहाँ पर सच साबित होने वाली है तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो इस सीरीज़ को आप लोग एक बार तो जरूर देखिए दोस्तों आपको पसंद तो जरूर आने वाली है दोस्तों आप लोगों ने सीरीज तो काफ़ी सारी देखी होगी पर कुछ ऐसी सीरीज भी बनाई गई है जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो कि सत्य घटना पर बनाई हुई है आज हम ऐसी एक कमाल की सीरीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और अब तो आप इसे फ्री में भी देख सकते हैं तो चलिए इस कमाल की सीरीज के बारे में बात करते हैं कहा पर यह आपको देखने को मिलेंगी साथ ही में इसके थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों सीरीज बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग एक बार तो जरूर देखिएगा इस सीरीज का नाम है ताली जिसे 2023 में रिलीज कराया गया था और ये पर बनी हुई सीरीज है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सत्य तिघटना पर आधारित है इसकी रेटिंग बहुत ही शानदार निकल के आई है जो आई है वहाँ पर दस में से आठ की रेटिंग मिली है जो कि वाकई ही एक बहुत ही बढ़िया रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर एटी फाइव परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया था और इस सीरीज़ की जो डायरेक्टर है वो दोस्तों रवि यादव रहे हैं हालांकि वो एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की फिल्में उन्होंने बना रखी है और हाल ही में इनकी एक मूवी भी दोस्तों आई थी मैं अटल हूँ जो काफ़ी बढ़िया रही इस मूवी को भी लोगों ने खूब प्यार दिया है तो अगर हम ताली सीरीज के बारे में थोड़ी बात करें तो अगर आप इसे अभी हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ को दोस्तों हिंदी में एकदम फ्री में देख सकते हैं जियो सिनेमा पे जियो सिनेमा पे यह आपको एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर ड्रामा भी है और अमित राज का म्यूजिक भी है जो कि एक बेस्ट कॉम्बो बनाता है इस सीरीज को इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और इससे आपको लाइफ में बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस सीरीज की का सुष्मिता सेन है और भी यहाँ पर कास्टिंग है जैसे कि का डीओ अंकुर भाटिया, शीतल काले सूरत जोशी विक्रम भाव हेमांगी कवि ऐश्वर्या नरकार हेमंत चौधरी नंदू माधव माया रचेल एम सीमानू ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं खैर यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है इसे आप लोग फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये एक सीरीज़ है और सीरीज़ को कोई सेंसर की जरूरत तो पड़ती नहीं है और ऐसे ये प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है तो हो सकता है कि आपको इसके अंदर कुछ ख़राब सीन देखने को मिल सकते हैं बहुत सारे ऐसे सीन होंगे शायद आपको आयरन कर सकते हैं इसलिए आप इसे अकेले देखिए आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है दरअसल इस मूवी की जो कहानी है वो गौरी सावंत ने अपने जीवन में सर्वी संघर्ष जो है उन्हें दिखाया है जब वे छोटी थे, उस समय से ही उसकी माँ गुजर जाती है उसके अपने पिता तक भी स्वपूर्ति नहीं होती है जो उन्हें इस दुनिया में लेकर आए हैं उनकी बड़ी बहन ने उन्हें नकारा था जब बाहर गई तो लोगों ने नकारा हर जगह से ठोकरें खानी पड़ी ये तो समय था जब गणेश की आत्मा में गोरी हावी हो रही थी और गणेश की बेबसी गौरी की तहाड़ में तब्दील हो रही थी फिर तो वक्त भी आया जब गणेश ने पूरी तरह से खुद को गौरी में बदलने का ठान लिया था और यह बदलाव एक मामूली बदलाव नहीं था यह बदलाव पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाने वाला था जो सीढ़ी से नहीं हुआ था वो बोलने वाला था छः एपिसोड की ये सीरीज जो है स्वाट रखा गया है और गौरी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण इंसिडेंट को इसमें शामिल किया गया है उनका घर छोड़ना किन्नर जाति में शामिल होना एक माँ के तौर पर खुद को विकसित करना और उन वर्ष को निभाना साथ ही किन्नर समाज के हक के लिए लड़ना ये सारे घटनाक्रम इस वेब सीरीज के अंदर आपको दिखाए गए हैं श्री गौरी जीवन श्री गौरी जी का जो जीवन है वो यहाँ पर गाथा आप देख सकते हैं अपने गम भूल जाएंगे और गौरी दशरथ मांझी थी जिन्होंने खुद घटिया मानसिकता और सड़ जोड़ी सड़ चुकी धरणाओं से पहाड़ को अपनी क्रांति की कुल्हाड़ी से काटा और पूरे किन्नर समाज के लिए रास्ता बनाया है इसकी कहानी तो काफी सही है ही साथ ही में जो सुशेदा सैन है वो शायद इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट बैठती है मेरे हिसाब से शायद उनकी जगह पर कोई और होता तो इतनी कमाल की एक्टिंग शायद नहीं कर पाता बालीवुड ने बॉलीवुड में अन्य लीडिंग एक्ट्रेस की तुलना में कम तोज्जो मिली है लेकिन जब जब उनके ऊपर कोई डायरेक्टर ने भरोसा किया है तो उन्होंने है दिल जरूर जीत लिया है डायरेक्टर का वो निराश बिल्कुल भी नहीं करती है इस बात का एग्जाम्पल आप आर्य सीरीज से भी ले सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है अगर आपने इसे नहीं देखा तो आपने बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ को मिस किया है मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों दो रोज़ाना आप ऐसी बहुत सारी फालतू की मूवीज़ देख लेते हैं इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास ये सीरीज़ है जिसे आप एक बार देख सकते हैं ये आपको निराश तो नहीं कराएंगी पर हाँ ये सीरीज़ दोस्तों आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी बहुत ही अच्छी और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है तो आपको आपके पास अगर समय और टाइम थोड़ा बहुत मिले तो आप इसके एपिसोड बारे बारे देख सकते हैं जो आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे और अब तो ये ब्री में भी उपलब्ध है क्योंकि दोस्तों हमें उन्हीं जो चीज़ है हम जो देखते हैं उसे सीखते हैं अगर कोई आकर आपको कुछ बताएगा यही हिस्ट्री आपको कोई बताएगा तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा मगर यही स्टोरी आप देखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ समझ आ जाएगा हालांकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप इसे अपने जीवन में ज़रूर गा सकते हैं क्योंकि एक अकेला आदमी दोस्तों बहुत कुछ बदल सकता है ये बात यहाँ पर सच साबित होने वाली है तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो इस सीरीज़ को आप लोग एक बार तो जरूर देखिए दोस्तों ये आपको पसंद तो जरूर आने वाली है दोस्तों आप लोगों ने सीरीज तो काफ़ी सारी देखी होगी पर कुछ ऐसी सीरीज भी बनाई गई है जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो कि सत्य घटना पर बनाई हुई है आज हम ऐसी एक कमाल की सीरीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और अब तो आप इसे फ्री में भी देख सकते हैं तो चलिए इस कमाल की सीरीज के बारे में बात करते हैं कहाँ पर यह आपको देखने को मिलेंगी साथ ही में इसके थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों ये सीरीज़ बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिएगा इस सीरीज़ का नाम है ताली जिसे 2023 में रिलीज़ कराया गया था और ये पर बनी हुई सीरीज़ है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सत्य तिघना पर आधारित है इसकी रेटिंग बहुत ही शानदार निकल के आई है जो आई है वहाँ पर दस में से आठ की रेटिंग मिली है जो कि वाकई ही एक बहुत ही बढ़िया रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर एटी फाइव परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया था और इस सीरीज़ की जो डायरेक्टर है वो दोस्तों रवि यादव रहे हैं हालांकि वो एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की फिल्में उन्होंने बना रखी है और हाल ही में इनकी एक मूवी भी दोस्तों आई थी मैं अटल हूँ जो काफ़ी बढ़िया रही इस मूवी को भी लोगों ने खूब प्यार दिया है तो अगर हम ताली सीरीज के बारे में थोड़ी बात करें तो अगर आप इसे अभी हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को दोस्तों हिंदी में एकदम फ्री में देख सकते हैं जियो सिनेमा पे। जियो सिनेमा पे यह आपको एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर ड्रामा भी है और अमित राज का म्यूजिक भी है जो कि एक बेस्ट कॉम्बो बनाता है इस सीरीज को इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और इससे आपको लाइफ में बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस सीरीज की का सुष्मिता सेन है और भी यहाँ पर कास्टिंग है जैसे कि कुर्दिका डीओ अंकुर बाटिया शीतल काले सूरत जोशी विक्रम भाव हेमांगी कवि ऐश्वर्या नरकार हेमंत चौधरी नंदू माधव माया रचेल एम सीमानू ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं खैर यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है इसे आप लोग फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये एक सीरीज़ है और सीरीज़ को कोई सेंसर की जरूरत तो पड़ती नहीं है और ऐसे ये प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई है तो हो सकता है कि आपको इसके अंदर कुछ ख़राब सीन देखने को मिल सकते हैं बहुत सारे ऐसे सीन होंगे जो शायद आपको हारण कर सकते हैं इसलिए आप इसे अकेली देखिए एक आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है दरअसल इस मूवी की जो कहानी है वो गौरी सावंत ने अपने जीवन में सर्वी संघर्ष जो है पूरा दिखाया है जब वे छोटी थे उस समय से ही उसकी माँ गुजर जाती है उसके अपने पिता तक भी स्वपूर्ति नहीं होती है जो उन्हें इस दुनिया में लेकर आए हैं उनकी बड़ी बहन ने उन्हें नकारा था जब बाहर गई तो लोगों ने नकारा हर जगह से ठोकरें खानी पड़ी ये तो समय था जब गणेश की आत्मा में गोरी हावी हो रही थी और गणेश की बेबसी गौरी की दहाड़ में तब्दील हो रही थी फिर तो वक्त भी आया जब गणेश ने पूरी तरह से खुद को गौरी में बदलने का ठान लिया था और यह बदलाव एक मामूली बदलाव नहीं था यह बदलाव पूरी दुनिया में बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाने वाला था जो सीढ़ी से नहीं हुआ था वो बोलने वाला था छह एपिसोड की ये सीरीज जो है शॉर्ट रखा गया है और गौरी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण इंसिडेंट को इसमें शामिल किया गया है उनका घर छोड़ना किन्नर जाति में शामिल होना एक माँ के तौर पर खुद को विकसित करना और उन वर्ष को निभाना साथ ही किन्नर समाज के हक के लिए लड़ना ये सारे घटनाक्रम इस वेब सीरीज के अंदर आपको दिखाए गए हैं श्री गौरी जीवन श्री गौरी जी का जो जीवन है यहाँ पर गाथा आप देख सकते हैं अपने गम बोल जाएंगे और गौरी दशरथ मांझी थी जिन्होंने खुद घटिया मानसिकता और सड़ जोड़ी सड़ चुके धरणाओं से पहाड़ को अपनी क्रांति की कुल्हाड़ी से काटा और पूरे किन्नर समाज के लिए रास्ता बनाया है इसकी कहानी तो काफ़ी सही है ही साथ ही में जो सुशेदा सहन है वो शायद इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट बैठती है मेरे हिसाब से शायद उनकी जगह पर कोई और होता तो इतनी कमाल की एक्टिंग शायद नहीं कर पाता भले उन्हें बॉलीवुड में अन्य लीडिंग एक्ट्रेस की तुलना में कम तोज्जो मिली है लेकिन जब जब उनके ऊपर कोई डायरेक्टर ने भरोसा किया है तो उन्होंने है डील जरूर जीत लिया है डायरेक्टर का वो तो निराश बिल्कुल भी नहीं करती है इस बात का एग्ज़ाम्पल आप आर्य सीरीज से भी ले सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है अगर आपने इसे नहीं देखा तो आपने बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ को मिस किया है मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों रोज़ाना आप ऐसी बहुत सारी फालतू की मूवीज़ देख लेते हैं इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास ये सीरीज़ है जिसे आप एक बार देख सकते हैं ये आपको निराश तो नहीं कराएंगी पर हाँ ये सीरीज़ दोस्तों आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी बहुत ही अच्छी और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है तो आपको आपके पास अगर समय और टाइम थोड़ा बहुत मिले तो आप इसके अच्छी एपिसोड बारे बारे देख सकते हैं जो आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे और अब तो ये ब्री में भी उपलब्ध है क्योंकि दोस्तों हमें उन्हें जो चीज़ है हम जो देखते हैं उसे सीखते हैं अगर कोई आकर आपको कुछ बताएगा यही स्टोरी आपको कोई बताएगा तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा मगर यही स्टोरी आप देखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ समझ आ जाएगा हालांकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप इसे अपने जीवन में ज़रूर उतार सकते हैं क्योंकि एक अकेला आदमी दोस्तों बहुत कुछ बदल सकता है ये बात यहाँ पर सच साबित होने वाली है तो बहुत ही अच्छी सीरीज बनाई गई है तो इस सीरीज को आप लोग एक बार तो जरूर देखिए दोस्तों ये आपको पसंद तो जरूर आने वाली है दोस्तों आप लोगों ने सीरीज तो काफ़ी सारी देखी होगी पर कुछ ऐसी सीरीज भी बनाई गई है जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो कि सत्य घटना पर बनाई हुई है आज मै ऐसी एक कमाल की सीरीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और अब तो आप इसे फ्री में भी देख सकते हैं तो चलिए इस कमाल की सीरीज के बारे में बात करते हैं कहाँ पर यह आपको देखने को मिलेंगी साथ ही में इसके थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों ये सीरीज बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग एक बार तो जरूर देखिएगा इस सीरीज का नाम है ताली जिसे 2023 में रिलीज कराया गया था और ये पर बनी हुई सीरीज है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सत्य तिगड़ा पर आधारित है इसकी रेटिंग बहुत ही शानदार निकल के आई है जो आई बी है वहाँ पर दस में से आठ की रेटिंग मिली है जो कि वाकई ही एक बहुत ही बढ़िया रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर एटी फाइव परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया था और इस सीरीज़ के जो डायरेक्टर है वो दोस्तों रवि यादव रहे हैं हालांकि वो एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की फिल्में उन्होंने बना रखी है और हाल ही में इनकी एक मूवी भी दोस्तों आई थी मैं अटल हूँ जो काफ़ी बढ़िया रही इस मूवी को भी लोगों ने खूब प्यार दिया है तो अगर हम ताली सीरीज के बारे में थोड़ी बात करें तो अगर आप इसे अभी हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को दोस्तों हिंदी में एकदम फ्री में देख सकते हैं जियो सिनेमा पे जियो सिनेमा यह आपको एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर ड्रामा भी है और अमित राज का म्यूजिक भी है जो कि एक बेस्ट कॉम्बो बनाता है इस सीरीज को इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और इससे आपको लाइफ में बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस सीरीज की का सुष्मिता सेन है और भी यहाँ पर कास्टिंग है जैसे कि कुर्दिका का डीओ अंकुर भाटिया शीतल काले सूरत जोशी विक्रम भाव हेमांगी कवि ऐश्वर्या नरकार हेमंत चौधरी नंदू माधव माया रचेल एम सी मानूस ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं खैर यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है इसे आप लोग फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये एक सीरीज है और सीरीज़ को कोई सैंसर की जरूरत तो पड़ती नहीं है और ऐसे ये प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है तो हो सकता है कि आपको इसके अंदर कुछ ख़राब सीन देखने को मिल सकते हैं बहुत सारे ऐसे सीन होंगे जो शायद आपको हरान कर सकते हैं इसलिए आप इसे अकेले देखिए आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है दरअसल इस मूवी की जो कहानी है वो गौरी सावंत ने अपने जीवन में सर्व भी संघर्ष जो है पूरा दिखाया है जब वे छोटी थे उस समय से ही उसकी माँ गुजर जाती है उसके अपने पिता तक भी स्वपूर्ति नहीं होती है जो उन्हें इस दुनिया में लेकर आए हैं उनकी बड़ी बहन ने उन्हें नकारा था जब बाहर गई तो लोगों ने नकारा हर जगह से ठोकरें खानी पड़ी ये तो समय था जब गणेश की आत्मा में गोरी हावी हो रही थी और गणेश की बेबसी गौरी की तहाड़ में तब्दील हो रही थी फिर तो वक्त भी आया जब गणेश ने पूरी तरह से खुद को गौरी में बदलने का ठान लिया था और यह बदलाव एक मामुल बदलाव नहीं था यह बदलाव पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाने वाला था जो सिद्धियों से नहीं हुआ था वो बोलने वाला था छह एपिसोड की ये सीरीज जो है वो शोर्ट रखा गया है और गौरी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण इंसिडेंट को इसमें शामिल किया गया है उनका घर छोड़ना किन्नर जाति में शामिल होना एक माँ के तौर पर खुद को विकसित करना और उन बर्स को निभाना साथ ही किन्नर समाज के हक के लिए लड़ना ये सारे घटनाक्रम इस वेब सीरीज के अंदर आपको दिखाया गया है श्री गौरी जीवन श्री गौरी जी का जो जीवन है यहाँ पर गाथा आप देख सकते हैं अपने गम भूल जाएंगे और गौरी दशरथ मांझी थी जिन्होंने खुद घटिया मानसिकता और सड़ जोड़ी सड़ चुके धरणाओं से पहाड़ को अपनी क्रांति की कुल्हाड़ी से काटा और पूरे किन्नर समाज के लिए रास्ता बनाया है इसकी कहानी तो काफी सही है ही साथ ही में जो सुस्वेदा सहन है वो शायद इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट बैठती है मेरे हिसाब से शायद उनकी जगह पर कोई और होता तो इतनी कमाल की एक्टिंग शायद नहीं कर पाता बालीवुड ने बॉलीवुड में अन्य लीडिंग एक्ट्रेस की तुलना में कम तोजो मिली है लेकिन जब जब उनके ऊपर कोई डायरेक्टर ने भरोसा किया है तो उन्होंने है डील ज़रूर जीत लिया है डायरेक्टर का वो निराश बिल्कुल भी नहीं करती है इस बात का एग्जाम्पल आप आर्य सीरीज से भी ले सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है अगर आपने इसे नहीं देखा तो आपने बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ को मिस किया है मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों दो रोज़ाना आप ऐसी बहुत सारी फालतू की मूवीज़ देख लेते हैं इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास ये सीरीज़ है जिसे आप एक बार देख सकते हैं ये आपको निराश तो नहीं कराएंगी पर हाँ ये सीरीज़ दोस्तों आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी बहुत ही अच्छी और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है तो आपको आपके पास अगर समय और टाइम थोड़ा बहुत मिले तो आप इसके एपिसोड बारे बारे देख सकते हैं जो आपको जरूर अच्छे लगेंगे और अब तो ये ब्री में भी उपलब्ध है क्योंकि दोस्तों हमें उन्हें जो चीज़ है हम जो देखते हैं उसे सीखते हैं अगर कोई आकर आपको कुछ बताएगा यही स्टोरी आपको कोई बताएगा तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा मगर यही स्टोरी आप देखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ समझ आ जाएगा हालांकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप इसे अपने जीवन में ज़रूर उतार सकते हैं क्योंकि एक अकेला आदमी दोस्तों बहुत कुछ बदल सकता है ये बात यहाँ पर सच साबित होने वाली है तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो इस सीरीज़ को आप लोग एक बार तो जरूर देखिए दोस्तों ये आपको पसंद तो जरूर आने वाली है दोस्तों आप लोगों ने सीरीज तो काफ़ी सारी देखी होगी पर कुछ ऐसी सीरीज भी बनाई गई है जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो कि सत्य घटना पर बनाई हुई है आज हम ऐसी एक कमाल की सीरीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और अब तो आप इसे फ्रीमें भी देख सकते हैं तो चलिए इस कमाल की सीरीज के बारे में बात करते हैं कहा पर यह आपको देखने को मिलेंगी साथ ही में इसके थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों ये सीरीज बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग एक बार तो जरूर देखिएगा इस सीरीज का नाम है ताली जिसे 2023 में रिलीज कराया गया था और ये पर बनी हुई सीरीज है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सत्य तिघटना पर आधारित है इसकी रेटिंग बहुत ही शानदार निकल के आई है जो आई डिबी है वहाँ पर दस में से आठ की रेटिंग मिली है जो कि वाकई ही एक बहुत ही बढ़िया रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर एटी फाइव परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया था और इस सीरीज़ की जो डायरेक्टर है वो दोस्तों रवि यादव रहे हैं हालांकि वो एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की फिल्में उन्होंने बना रखी है और हाल ही में इनकी एक मूवी भी दोस्तों आई थी मैं अटल हूँ जो काफ़ी बढ़िया रही इस मूवी को भी लोगों ने खूब प्यार दिया है तो अगर हम ताली सीरीज के बारे में थोड़ी बात करें तो अगर आप इसे अभी हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ को दोस्तों हिंदी में एकदम फ्री में देख सकते हैं जियो सिनेमा पे। जियो सिनेमा पे यह आपको एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर ड्रामा भी है और अमित राज का म्यूजिक भी है जो कि एक बेस्ट कॉम्बो बनाता है इस सीरीज को इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और इससे आपको लाइफ में बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस सीरीज की लीड का सुष्मिता सेन है और भी यहाँ पर कास्टिंग है जैसे कि कुर्दिका का डीओ, अंकुर बाड़िया, शीतल काले सूरत जोशी विक्रम भाव हेमांगी कवि ऐश्वर्या नरकार हेमंत चौधरी माधव माया रचेल एम सी मानू ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं ख़ैर यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है इसे आप लोग फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये एक सीरीज़ है और सीरीज़ को कोई सेंसर की जरूरत तो पड़ती नहीं है और ऐसे ये प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है तो हो सकता है कि आपको इसके अंदर कुछ ख़राब सीन देखने को मिल सकते हैं बहुत सारे ऐसे सीन हो गए जो शायद आपको हैरान कर सकते हैं इसलिए आप इसे अकेले देखिए एक आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है दरअसल इस मूवी की जो कहानी है वो गौरी सावंत ने अपने जीवन में सर्वी संघर्ष जो है उन्हें दिखाया है जब वे छोटी थे उस समय से ही उसकी माँ गुजर जाती है उसके अपने पिता तक भी स्वपूर्ति नहीं होती है जो उन्हें इस दुनिया में लेकर आए हैं उनकी बड़ी बहन ने उन्हें नकारा था जब बाहर गई तो लोगों ने नकारा हर जगह से ठोकरें खानी पड़ी ये तो समय था जब गणेश की आत्मा में गौरी हावी हो रही थी और गणेश की बेबसी गौरी की दहाड़ में तब्दील हो रही थी फिर तो वक्त भी आया जब गणेश ने पूरी तरह से खुद को गौरी में बदलने का ठान लिया था और यह बदलाव एक मामुल बदलाव नहीं था यह बदलाव पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाने वाला था जो सीढ़ी से नहीं हुआ था वो होने वाला था एपिसोड की ये सीरीज जो है वो शॉर्ट रखा गया है और गौरी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण इंसिडेंट को इसमें शामिल किया गया है उनका घर छोड़ना किन्नर जाति में शामिल होना एक माँ के तौर पर खुद को विकसित करना और उन भरस को निभाना साथ ही किन्नर समाज के हक के लिए लड़ना ये सारे घटनाक्रम इस वेब सीरीज के अंदर आपको दिखाया गया है श्री गौरी जीवन श्री गौरी जी का जो जीवन है वो यहाँ पर गाथा आप देख सकते हैं अपने गम बोल जाएंगे और गौरी दशरथ मांझी थी जिन्होंने खुद घटिया मानसिकता और सड़ जोड़ी सड़ चुकी धरणाओं से पहाड़ को अपनी क्रांति की कुल्हाड़ी से काटा और पूरे किन्नर समाज के लिए रास्ता बनाया है इसकी कहानी तो काफी सही है ही साथ ही में जो सुशेदा सहन है वो शायद इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट बैठती है मेरे हिसाब से शायद उनकी जगह पर कोई और होता तो इतनी कमाल की एक्टिंग शायद नहीं कर पाता बालीवुड ए बॉलीवुड में अन्य लीडिंग एक्ट्रेस की तुलना में कम तोज् मिली है लेकिन जब जब उनके ऊपर कोई डायरेक्टर ने भरोसा किया है तो उन्होंने है दिल जरूर जीत लिया है डायरेक्टर का वो निराश बिल्कुल भी नहीं करती है इस बात का एग्ज़ाम्पल आप आर्य सीरीज से भी ले सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है अगर आपने इसे नहीं देखा तो आपने बहुत ही बेहतरीन सीरीज को मिस किया है मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों दो रोज़ाना आप ऐसी बहुत सारी फालतू की मूवीज़ देख लेते हैं इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास ये सीरीज़ है जिसे आप एक बार देख सकते हैं ये आपको निराश तो नहीं कराएंगी पर हाँ ये सीरीज़ दोस्तों आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी बहुत ही अच्छी और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है तो आपको आपके पास अगर समय और टाइम थोड़ा बहुत मिले तो आप इसके छह एपिसोड बारे बारे देख सकते हैं जो आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे और अब तो ये ब्री में भी उपलब्ध है क्योंकि दोस्तों हमें उन्हीं जो है हम जो देखते हैं उसे सीखते हैं अगर कोई आकर आपको कुछ बताएगा यही स्टोरी आपको कोई बताएगा तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा मगर यही स्टोरी आप देखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ समझ आ जाएगा हालांकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप इसे अपने जीवन में ज़रूर उतार सकते हैं क्योंकि एक अकेला आदमी दोस्तों बहुत कुछ बदल सकता है ये बात यहाँ पर सच साबित होने वाली है तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो इस सीरीज़ को आप लोग एक बार तो जरूर देखिए दोस्तों ये आपको पसंद तो जरूर आने वाली है दोस्तों आप लोगों ने सीरीज तो काफ़ी सारी देखी होगी पर कुछ ऐसी सीरीज भी बनाई गई है जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो कि सत्य घटना पर बनाई हुई है आज मैं ऐसी कमाल की सीरीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और अब तो आप इसे फ्री में भी देख सकते हैं तो चलिए इस कमाल की सीरीज के बारे में बात करते हैं कहाँ पर यह आपको देखने को मिलेंगी साथ ही में इसके थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों ये सीरीज बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग एक बार तो जरूर देखिएगा इस सीरीज़ का नाम है ताली जिसे 2023 में रिलीज कराया गया था और ये पर बनी हुई सीरीज है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये सत्य घटना पर आधारित है इसकी रेटिंग बहुत ही शानदार निकल के आई है जो आई एबी है वहाँ पर दस में से आर्ट की रेटिंग मिली है जो कि वाकई ही एक बहुत ही बढ़िया रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर एटी फाइव परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया था और इस सीरीज़ के जो डायरेक्टर है वो दोस्तों रवि यादव रहे हैं हालांकि वो एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की फिल्में उन्होंने बना रखी है और हाल ही में इनकी एक मूवी भी दोस्तों आई थी मैं अटल हूँ जो काफ़ी बढ़िया रही इस मूवी को भी लोगों ने खूब प्यार दिया है तो अगर हम ताली सीरीज के बारे में थोड़ी बात करें तो अगर आप इसे अभी हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को दोस्तों हिंदी में एकदम फ्री में देख सकते हैं जियो सिनेमा पे जियो सिनेमा पे यह आपको एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर ड्रामा भी है और अमित राज का म्यूजिक भी है जो कि एक बेस्ट कॉम्बो बनाता है इस सीरीज को इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और इससे आपको लाइफ में बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस सीरीज़ की लीड का सुष्मिता सेन है और भी यहाँ पर कास्टिंग है जैसे कि कुर्दिका का डीओ, अंकुर भाटिया, शीतल काले सूरत जोशी विक्रम भाव हेमांगी कवि ऐश्वर्या नरकार हेमंत चौधरी नंदू माधव माया रचेल एम सीमानू ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं खैर यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है इसे आप लोग फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये एक सीरीज़ है और सीरीज़ को कोई सेंसर की जरूरत तो पड़ती नहीं है और ऐसे ये प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है तो हो सकता है कि आपको इसके अंदर कुछ ख़राब सीन देखने को मिल सकते हैं बहुत सारे ऐसे सीन हो गए जो शायद आपको हैरान कर सकते हैं इसलिए आप इसे अकेले देखिए एक आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है दरअसल इस मूवी की जो कहानी है वो गौरी सावंत ने अपने जीवन में सरवी संघर्ष जो है पूरा दिखाया है जब वे छोटे थे उस समय से ही उसकी माँ गुजर जाती है उसके अपने पिता तक भी स्वपूर्ति नहीं होती है जो उन्हें इस दुनिया में लेकर आए हैं उनकी बड़ी बहन ने उन्हें नकारा था जब बाहर गई तो लोगों ने नकारा हर जगह से ठोकरें खानी पड़ी ये तो समय था जब गणेश की आत्मा में गोरी हावी हो रही थी और गणेश की बेबसी गोरी की दहाड़ में तब्दील हो रही थी फिर तो वक्त भी आया जब गणेश ने पूरी तरह से खुद को गौरी में बदलने का ठान लिया था और यह बदलाव एक मामुल बदलाव नहीं था यह बदलाव पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाने वाला था जो सिद्धियों से नहीं हुआ था वो भी वाला था छह एपिसोड की ये सीरीज जो है शॉर्ट रखा गया है और गौरी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण इंसिडेंट को इसमें शामिल किया गया है उनका घर छोड़ना किन्नर जाति में शामिल होना एक माँ के तौर पर खुद को विकसित करना और उन भरस को निभाना साथ ही किन्नर समाज के हक के लिए लड़ना ये सारे घटनाक्रम इस वेब सीरीज के अंदर आपको दिखाए गए हैं श्री गौरी जीवन श्री गौरी जी का जो जीवन है तो यहाँ पर गाथा आप देख सकते हैं अपने गम बोल जाएंगे और गौरी दशरथ मांझी थी जिन्होंने खुद घटिया मानसिकता और सड़ जोड़ी सड़ चुके धरणाओं से पहाड़ को अपनी क्रांति की कुल्हाड़ी से काटा और पूरे किन्नर समाज के लिए रास्ता बनाया है इसकी कहानी तो काफ़ी सही है ही साथ ही में जो सुशेदा सहन है वो शायद इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट बैठती है मेरे हिसाब से शायद उनकी जगह पर कोई और होता तो इतनी कमाल की एक्टिंग शायद नहीं कर पाता भलेवु ने बॉलीवुड में अन्य लीडिंग एक्ट्रेस की तुलना में कम तोज्जो मिली है लेकिन जब जब उनके ऊपर कोई डायरेक्टर ने भरोसा किया है तो उन्होंने है दिल जरूर जीत लिया है डायरेक्टर का वो निराश बिल्कुल भी नहीं करती है इस बात का एग्ज़ाम्पल आप आर्य सीरीज से भी ले सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है अगर आपने इसे नहीं देखा तो आपने बहुत ही बेहतरीन सीरीज को मिस किया है मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों दो रोजाना आप ऐसी बहुत सारी फालतू की मूवीज़ देख लेते हैं इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास ये सीरीज़ है जिसे आप एक बार देख सकते हैं ये आपको निराश तो नहीं कराएंगी पर हाँ ये सीरीज़ दोस्तों आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी बहुत ही अच्छी और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है तो आपको आपके पास अगर समय और टाइम थोड़ा बहुत मिले तो आप इसके एपिसोड बारे बारे देख सकते हैं जो आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे और अब तो ये में भी उपलब्ध है क्योंकि दोस्तों हमें उन्हें जो है हम जो देखते हैं उसे सीखते हैं अगर कोई आकर आपको कुछ बताएगा यही हिस्टोरी आपको कोई बताएगा तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा मगर यही हिस्टोरी आप देखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ समझ आ जाएगा हालांकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप इसे अपने जीवन में ज़रूर उगा सकते हैं क्योंकि एक अकेला आदमी दोस्तों बहुत कुछ बदल सकता है ये बात यहाँ पर सच साबित होने वाली है तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो इस सीरीज़ को आप लोग एक बार तो जरूर देखिए दोस्तों ये आपको पसंद तो जरूर आने वाली है दोस्तों आप लोगों ने सीरीज़ तो काफ़ी सारी देखी होगी पर कुछ ऐसी सीरीज भी बनाई गई है जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो कि सत्य घटना पर बनाई हुई है आज हम ऐसी एक कमाल की सीरीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और अब तो आप इसे फ्री में भी देख सकते हैं तो चलिए इस कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करते हैं कहा पर यह आपको देखने को मिलेंगी साथ ही में इसके थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों सीरीज बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग एक बार तो जरूर देखिएगा इस सीरीज का नाम है ताली जिसे 2023 में रिलीज कराया गया था और ये पर बनी हुई सीरीज है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सत्य तिघटना पर आधारित है इसकी रेटिंग बहुत ही शानदार निकल के आई है जो आई है वहाँ पर दस में से आठ की रेटिंग मिली है जो कि वाकई ही एक बहुत ही बढ़िया रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर एटी फाइव परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया था और इस सीरीज़ की जो डायरेक्टर है वो दोस्तों रवि यादव रहे हैं हालांकि वो एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की फिल्में उन्होंने बना रखी है और हाल ही में इनकी एक मूवी भी दोस्तों आई थी मैं अटल हूँ जो काफ़ी बढ़िया रही इस मूवी को भी लोगों ने खूब प्यार दिया है तो अगर हम ताली सीरीज के बारे में थोड़ी बात करें तो अगर आप इसे अभी हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ को दोस्तों हिंदी में एकदम फ्री में देख सकते हैं जियो सिनेमा पे जियो सिनेमा पे यह आपको एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर ड्रामा भी है और अमित राज का म्यूजिक भी है जो कि एक बेस्ट कॉम्बो बनाता है इस सीरीज को इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और इससे आपको लाइफ में बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस सीरीज की लीड का सुष्मिता सेन है और भी यहाँ पर कास्टिंग है जैसे कि का डीओ अंकुर बाटिया शीतल काले सूरत जोशी विक्रम भाव हेमांगी कवि ऐश्वर्या नरकार हेमंत चौधरी नंदू माधव माया रचेल एम सी ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं ख़ैर यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है इसे आप लोग फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये एक सीरीज़ है और सीरीज़ को कोई सेंसर की जरूरत तो पड़ती नहीं है और ऐसे ये प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है तो हो सकता है कि आपको इसके अंदर कुछ ख़राब सीन देखने को मिल सकते हैं बहुत सारे ऐसे सीन होंगे शायद आपको हैरान कर सकते हैं इसलिए आप इसे अकेले देखिए आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है दरअसल इस मूवी की जो कहानी है वो गौरी सावंत ने अपने जीवन में सर्वी संघर्ष जो है पूरा दिखाया है जब वे छोटी थे, उस समय से ही उसकी माँ गुजर जाती है उसके अपने पिता तक भी स्वपूर्ति नहीं होती है जो उन्हें इस दुनिया में लेकर आए हैं उनकी बड़ी बहन ने उन्हें नकारा था जब बाहर गई तो लोगों ने नकारा हर जगह से ठोकरें खानी पड़ी ये तो समय था जब गणेश की आत्मा में गोरी हावी हो रही थी और गणेश की बेबसी गौरी की तहाड़ में तब्दील हो रही थी फिर तो वक्त भी आया जब गणेश ने पूरी तरह से खुद को गौरी में बदलने का ठान लिया था और यह बदलाव एक मामुल बदलाव नहीं था यह बदलाव पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाने वाला था जो सीढ़ी से नहीं हुआ था वो बोलने वाला था छः एपिसोड की ये सीरीज जो है वो श्वाट रखा गया है और गौरी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण इंसिडेंट को इसमें शामिल किया गया है उनका घर छोड़ना किन्नर जाति में शामिल होना एक माँ के तौर पर खुद को विकसित करना और उन वर्ष को निभाना साथ ही किन्नर समाज के हक के लिए लड़ना ये सारे घटनाक्रम इस वेब सीरीज के अंदर आपको दिखाए गए हैं श्री गौरी जीवन श्री गौरी जी का जो जीवन है वो यहाँ पर गाथा आप देख सकते हैं अपने गम बोल जाएंगे और गौरी दशरथ मांझी थी जिन्होंने खुद घटिया मानसिकता और सड़ जोड़ी सड़ चुकी धरणाओं से पहाड़ को अपनी क्रांति की कुल्हाड़ी से काटा और पूरे किन्नर समाज के लिए रास्ता बनाया है इसकी कहानी तो काफी सही है ही साथ ही में जो सुशेदा सैन है वो शायद इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट बैठती है मेरे हिसाब से शायद उनकी जगह पर कोई और होता तो इतनी कमाल की एक्टिंग शायद नहीं कर पाता बालीवुड ने बॉलीवुड में अन्य लीडिंग एक्ट्रेस की तुलना में कम तोज्जो मिली है लेकिन जब जब उनके ऊपर कोई डायरेक्टर ने भरोसा किया है तो उन्होंने है डील जरूर जीत लिया है डायरेक्टर का वो निराश बिल्कुल भी नहीं करती है इस बात का एग्जाम्पल आप आर्य सीरीज से भी ले सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है अगर आपने इसे नहीं देखा तो आपने बहुत ही बेहतरीन सीरीज को मिस किया है मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों दो रोज़ाना आप ऐसी बहुत सारी फालतू की मूवीज़ देख लेते हैं इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास ये सीरीज़ है जिसे आप एक बार देख सकते हैं ये आपको निराश तो नहीं कराएंगी पर हाँ ये सीरीज़ दोस्तों आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी बहुत ही अच्छी और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है तो आपको आपके पास अगर समय और टाइम थोड़ा बहुत मिले तो आप इसके एपिसोड बारे बारे देख सकते हैं जो आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे और अब तो ये ब्री में भी उपलब्ध है क्योंकि दोस्तों हमें उन्हीं जो चीज़ है हम जो देखते हैं उसे सीखते हैं अगर कोई आकर आपको कुछ बताएगा यही स्टोरी आपको कोई बताएगा तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा मगर यही स्टोरी आप देखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ समझ आ जाएगा हालांकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप इसे अपने जीवन में ज़रूर उतार सकते हैं क्योंकि एक अकेला आदमी दोस्तों बहुत कुछ बदल सकता है ये बात यहाँ पर सच साबित होने वाली है तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो इस सीरीज़ को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए दोस्तों ये आपको पसंद तो जरूर आने वाली है दोस्तों आप लोगों ने सीरीज़ तो काफ़ी सारी देखी होगी पर कुछ ऐसी सीरीज भी बनाई गई है जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो कि सत्य घटना पर बनाई हुई है आज हम ऐसी एक कमाल की सीरीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और अब तो आप इसे फ्री में भी देख सकते हैं तो चलिए इस कमाल की सीरीज के बारे में बात करते हैं कहाँ पर यह आपको देखने को मिलेंगी साथ ही में इसके थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों ये सीरीज़ बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिएगा इस सीरीज़ का नाम है ताली जिसे 2023 में रिलीज़ कराया गया था और ये पर बनी हुई सीरीज़ है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सत्य तिघटना पर आधारित है इसकी रेटिंग बहुत ही शानदार निकल के आई है जो आई है वहाँ पर दस में से आठ की रेटिंग मिली है जो कि वाकई ही एक बहुत ही बढ़िया रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर एटी फाइव परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया था और इस सीरीज़ की जो डायरेक्टर है वो दोस्तों रवि यादव रहे हैं हालांकि वो एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की फिल्में उन्होंने बना रखी है और हाल ही में इनकी एक मूवी भी दोस्तों आई थी मैं अटल हूँ जो काफ़ी बढ़िया रही इस मूवी को भी लोगों ने खूब प्यार दिया है तो अगर हम ताली सीरीज के बारे में थोड़ी बात करें तो अगर आप इसे अभी हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को दोस्तों हिंदी में एकदम फ्री में देख सकते हैं जियो सिनेमा पे। जियो सिनेमा पे यह आपको एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर ड्रामा भी है और अमित राज का म्यूजिक भी है जो कि एक कॉम्बो बनाता है इस सीरीज को इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और इससे आपको लाइफ में बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस सीरीज की का सुष्मिता सेन है और भी यहाँ पर कास्टिंग है जैसे कि कुर्दिका का डीओ अंकुर बाटिया शीतल काले सूरत जोशी विक्रम भाव हेमांगी कवि ऐश्वर्या नरकार हेमंत चौधरी नंदू माधव माया रचेल एम सीमानूस ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं खैर यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है इसे आप लोग फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये एक सीरीज़ है और सीरीज़ को कोई सेंसर की जरूरत तो पड़ती नहीं है और ऐसे ये प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है तो हो सकता है कि आपको इसके अंदर कुछ ख़राब सीन देखने को मिल सकते हैं बहुत सारे ऐसे सीन होंगे जो शायद आपको हैरान कर सकते हैं इसलिए आप इसे अकेली देखिए एक आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है दरअसल इस मूवी की जो कहानी है वो गौरी सावंत ने अपने जीवन में सर्वी संघर्ष जो है पूरा दिखाया है जब वे छोटी थे उस समय से ही उसकी माँ गुजर जाती है उसके अपने पिता तक भी स्वपूर्ति नहीं होती है जो उन्हें इस दुनिया में लेकर आए हैं उनकी बड़ी बहन ने उन्हें नकारा था जब बाहर गई तो लोगों ने नकारा हर जगह से ठोकरें खानी पड़ी ये तो समय था जब गणेश की आत्मा में गोरी हावी हो रही थी और गणेश की बेबसी गोरी की दहाड़ में तब्दील हो रही थी फिर तो वक्त भी आया जब गणेश ने पूरी तरह से खुद को गौरी में बदलने का ठान लिया था और यह बदलाव एक मामुल बदलाव नहीं था यह बदलाव पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाने वाला था जो से नहीं हुआ था वो बोलने वाला था एपिसोड की ये सीरीज जो है वो शोट रखा गया है और गौरी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण इंसिडेंट को इसमें शामिल किया गया है उनका घर छोड़ना किन्नर जाति में शामिल होना एक माँ के तौर पर खुद को विकसित करना और उन भरस को निभाना साथ ही किन्नर समाज के हक के लिए लड़ना ये सारे घटनाक्रम इस वेब सीरीज के अंदर आपको दिखाया गया है श्री गौरी जीवन श्री गौरी जी का जो जीवन है वो यहाँ पर गाथा आप देख सकते हैं अपने गम भूल जाएंगे और गौरी दशरथ मांझी थी जिन्होंने खुद घटिया मानसिकता और सड़ जोड़ी सड़ चुके धरणाओं से पहाड़ को अपनी क्रांति की कुल्हाड़ी से काटा और पूरे किन्नर समाज के लिए रास्ता बनाया है इसकी कहानी तो काफ़ी सही है ही साथ ही में जो सुशेदा सैन है वो शायद इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट बैठती है मेरे हिसाब से शायद उनकी जगह पर कोई और होता तो इतनी कमाल की एक्टिंग शायद नहीं कर पाता भले उन्हें बॉलीवुड में अन्य लीडिंग एक्ट्रेस की तुलना में कम तोज्जो मिली है लेकिन जब जब उनके ऊपर कोई डायरेक्टर ने भरोसा किया है तो उन्होंने है दिल जरूर जीत लिया है डायरेक्टर का वो निराश बिल्कुल भी नहीं करती है इस बात का एग्ज़ाम्पल आप आर्य सीरीज से भी ले सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है अगर आपने इसे नहीं देखा तो आपने बहुत ही बेहतरीन सीरीज को मिस किया है मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों रोज़ाना आप ऐसी बहुत सारी फालतू की मूवीज़ देख लेते हैं इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास ये सीरीज़ है जिसे आप एक बार देख सकते हैं ये आपको निराश तो नहीं कराएंगी पर हाँ ये सीरीज़ दोस्तों आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी बहुत ही अच्छी और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है तो आपको आपके पास अगर समय और टाइम थोड़ा बहुत मिले तो आप इसके अच्छे एपिसोड बारे बारे देख सकते हैं जो आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे और अब तो ये ऊपरी में भी उपलब्ध है क्योंकि दोस्तों हमें उन्हें जो चीज़ों है हम जो देखते हैं उसे सीखते हैं अगर कोई आकर आपको कुछ बताएगा यही स्टोरी आपको कोई बताएगा तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा मगर यही स्टोरी आप देखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ समझ आ जाएगा हालांकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप इसे अपने जीवन में ज़रूर गा सकते हैं क्योंकि एक अकेला आदमी दोस्तों बहुत कुछ बदल सकता है ये बात यहाँ पर सच साबित होने वाली है तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो इस सीरीज़ को आप लोग एक बार तो जरूर देखिए दोस्तों ये आपको पसंद तो जरूर आने वाली है दोस्तों आप लोगों ने सीरीज तो काफ़ी सारी देखी होगी पर कुछ ऐसी सीरीज भी बनाई गई है जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो कि सत्य घटना पर बनाई हुई है आज हम ऐसी एक कमाल की सीरीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और अब तो आप इसे फ्री में भी देख सकते हैं तो चलिए इस कमाल की सीरीज के बारे में बात करते हैं कहावरी आपको देखने को मिलेंगी साथ ही में इसके थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों सीरीज बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग एक बार तो जरूर देखिएगा इस सीरीज का नाम है ताली जिसे 2023 में रिलीज कराया गया था और ये पर बनी हुई सीरीज है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये सत्य घटना पर आधारित है इसकी रेटिंग बहुत ही शानदार निकल के आई है जो आई डीबी है वहाँ पर दस में से आठ की रेटिंग मिली है जो कि वाकई ही एक बहुत ही बढ़िया रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर एटी फाइव परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया था और इस सीरीज़ की जो डायरेक्टर है वो दोस्तों रवि यादव रहे हैं हालांकि वो एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की फिल्में उन्होंने बना रखी है और हाल ही में इनकी एक मूवी भी दोस्तों आई थी मैं अटल हूँ जो काफ़ी बढ़िया रही इस मूवी को भी लोगों ने खूब प्यार दिया है तो अगर हम ताली सीरीज के बारे में थोड़ी बात करें तो अगर आप इसे अभी हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ को दोस्तों हिंदी में एकदम फ्री में देख सकते हैं जियो सिनेमा पे जियो सिनेमा पे यह आपको एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर ड्रामा भी है और अमित राज का म्यूजिक भी है जो कि एक बेस्ट कॉम्बो बनाता है इस सीरीज को इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और इससे आपको लाइफ में बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस सीरीज की का सुष्मिता सेन है और भी यहाँ पर कास्टिंग है जैसे कि कुर्दी का डीओ, अंकुर बाटिया शीतल काले सूरत जोशी विक्रम भाव हेमांगी कवि ऐश्वर्या नरकार हेमंत चौधरी नंदू माधव माया रचेल एम सीमानू ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं ख़ैर यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है इसे आप लोग फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये एक सीरीज़ है और सीरीज़ को कोई सेंसर की जरूरत तो पड़ती नहीं है और ऐसे ये प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है तो हो सकता है कि आपको इसके अंदर कुछ ख़राब सीन देखने को मिल सकते हैं बहुत सारे ऐसे सीन होंगे जो शायद आपको हैरान कर सकते हैं इसलिए आप इसे अकेले देखिए एक आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है दरअसल इस मूवी की जो कहानी है वो गौरी सावंत ने अपने जीवन में सर्वी संघर्ष जो है उन्हें दिखाया है जब वे छोटे थे, उस समय से ही उसकी माँ गुजर जाती है उसके अपने पिता तक भी स्वपूर्ति नहीं होती है जो उन्हें इस दुनिया में लेकर आए हैं उनकी बड़ी बहन ने उन्हें नकारा था जब बाहर गई तो लोगों ने नकारा हर जगह से ठोकरें खानी पड़ी ये तो समय था जब गणेश की आत्मा में गोरी हावी हो रही थी और गणेश की बेबसी गौरी की तहाड़ में तब्दील हो रही थी फिर तो वक्त भी आया जब गणेश ने पूरी तरह से खुद को गौरी में बदलने का ठान लिया था और ये बदलाव एक मामूली बदलाव नहीं था यह बदलाव पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाने वाला था जो सिद्धियों से नहीं हुआ था वो भी वाला था छह एपिसोड की ये सीरीज जो है वो शोर्ट रखा गया है और गौरी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण इंसिडेंट को इसमें शामिल किया गया है उनका घर छोड़ना किन्नर जाति में शामिल होना एक माँ के तौर पर खुद को विकसित करना और उन बर्स को निभाना साथ ही किन्नर समाज के हक के लिए लड़ना ये सारे घटनाक्रम इस वेब सीरीज के अंदर आपको दिखाया गया है श्री गौरी जीवन श्री गौरी जी का जो जीवन है यहाँ पर गाथा आप देख सकते हैं अपने गम भूल जाएंगे और गौरी दशरथ मांझी थी जिन्होंने खुद घटिया मानसिकता और सड़ जोड़ी सड़ चुके धरणाओं से पहाड़ को अपनी क्रांति की कुल्हाड़ी से काटा और पूरे किन्नर समाज के लिए रास्ता बनाया है इसकी कहानी तो काफी सही है ही साथ ही में जो सुस्वेदा सहन है वो शायद इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट बैठती है मेरे हिसाब से शायद उनकी जगह पर कोई और होता तो इतनी कमाल की एक्टिंग शायद नहीं कर पाता बालीवुड ने बॉलीवुड में अन्य लीडिंग एक्ट्रेस की तुलना में कम तोजो मिली है लेकिन जब जब उनके ऊपर कोई डायरेक्टर ने भरोसा किया है तो उन्होंने है डील ज़रूर जीत लिया है डायरेक्टर का वो निराश बिल्कुल भी नहीं करती है इस बात का एग्जाम्पल आप आर्य सीरीज से भी ले सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है अगर आपने इसे नहीं देखा तो आपने बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ को मिस किया है मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों दो रोज़ाना आप ऐसी बहुत सारी फालतू की मूवीज़ देख लेते हैं इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास ये सीरीज़ है जिसे आप एक बार देख सकते हैं ये आपको निराश तो नहीं कराएंगी पर हाँ ये सीरीज़ दोस्तों आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी बहुत ही अच्छी और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है तो आपको आपके पास अगर समय और टाइम थोड़ा बहुत मिले तो आप इसके एपिसोड बारे बारे देख सकते हैं जो आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे और अब तो ये ब्रीमें भी उपलब्ध है क्योंकि दोस्तों हमें उन्हें जो चीज़ है हम जो देखते हैं उसे सीखते हैं अगर कोई आकर आपको कुछ बताएगा यही स्टोरी आपको कोई बताएगा तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा मगर यही स्टोरी आप देखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ समझ आ जाएगा हालांकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप इसे अपने जीवन में ज़रूर उतार सकते हैं क्योंकि एक अकेला आदमी दोस्तों बहुत कुछ बदल सकता है ये बात यहाँ पर सच साबित होने वाली है तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो इस सीरीज़ को आप लोग एक बार तो जरूर देखिए दोस्तों ये आपको पसंद तो जरूर आने वाली है दोस्तों आप लोगों ने सीरीज़ तो काफ़ी सारी देखी होगी पर कुछ ऐसी सीरीज भी बनाई गई है जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो कि सत्य घटना पर बनाई हुई है आज हम ऐसी एक कमाल की सीरीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और अब तो आप इसे में भी देख सकते हैं तो चलिए इस कमाल की सीरीज के बारे में बात करते हैं कहा पर यह आपको देखने को मिलेंगी साथ ही में इसके थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों सीरीज बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग एक बार तो जरूर देखिएगा इस सीरीज का नाम है ताली जिसे 2023 में रिलीज कराया गया था और ये पर बनी हुई सीरीज है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सत्य तिघटना पर आधारित है इसकी रेटिंग बहुत ही शानदार निकल के आई है जो आई डिबी है वहाँ पर दस में से आठ की रेटिंग मिली है जो कि वाकई ही एक बहुत ही बढ़िया रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर एटी फाइव परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया था और इस सीरीज़ की जो डायरेक्टर है वो दोस्तों रवि यादव रहे हैं हालांकि वो एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की फिल्में उन्होंने बना रखी है और हाल ही में इनकी एक मूवी भी दोस्तों आई थी मैं अटल हूँ जो काफ़ी बढ़िया रही इस मूवी को भी लोगों ने खूब प्यार दिया है तो अगर हम ताली सीरीज के बारे में थोड़ी बात करें तो अगर आप इसे अभी हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ को दोस्तों हिंदी में एकदम फ्री में देख सकते हैं जियो सिनेमा पे। जियो सिनेमा पे यह आपको एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर ड्रामा भी है और अमित राज का म्यूजिक भी है जो कि एक बेस्ट कॉम्बो बनाता है इस सीरीज को इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और इससे आपको लाइफ में बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस सीरीज की लीड का सुष्मिता सेन है और भी यहाँ पर कास्टिंग है जैसे कि कुर्दिका का डीओ, अंकुर बाड़िया, शीतल काले सूरत जोशी विक्रम भाव हेमांगी कवि ऐश्वर्या नरकार हेमंत चौधरी माधव माया रचेल एम सी मानू ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं ख़ैर यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है इसे आप लोग फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये एक सीरीज़ है और सीरीज़ को कोई सेंसर की जरूरत तो पड़ती नहीं है और ऐसे ये प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है तो हो सकता है कि आपको इसके अंदर कुछ ख़राब सीन देखने को मिल सकते हैं बहुत सारे ऐसे सीन होंगे जो शायद आपको वायरल कर सकते हैं इसलिए आप इसे अकेले देखिए एक आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है दरअसल इस मूवी की जो कहानी है वो गौरी सावंत ने अपने जीवन में सर्वी संघर्ष जो है उन्हें दिखाया है जब वे छोटी थे उस समय से ही उसकी माँ गुजर जाती है उसके अपने पिता तक भी स्वपूर्ति नहीं होती है जो उन्हें इस दुनिया में लेकर आए हैं उनकी बड़ी बहन ने उन्हें नकारा था जब बाहर गई तो लोगों ने नकारा हर जगह से ठोकरें खानी पड़ी ये तो समय था जब गणेश की आत्मा में गोरी हावी हो रही थी और गणेश की बेबसी गौरी की दहाड़ में तब्दील हो रही थी फिर तो वक्त भी आया जब गणेश ने पूरी तरह से खुद को गौरी में बदलने का ठान लिया था और यह बदलाव एक मामुल बदलाव नहीं था यह बदलाव पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाने वाला था जो सिद्धियों से नहीं हुआ था वो बोलने वाला था एपिसोड की ये सीरीज जो है वो श्वाट रखा गया है और गौरी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण इंसिडेंट को इसमें शामिल किया गया है उनका घर छोड़ना किन्नर जाति में शामिल होना एक माँ के तौर पर खुद को विकसित करना और उन भरस को निभाना साथ ही किन्नर समाज के हक के लिए लड़ना ये सारे घटनाक्रम इस वेब सीरीज के अंदर आपको दिखाया गया है श्री गौरी जीवन श्री गौरी जी का जो जीवन है वो यहाँ पर गाथा आप देख सकते हैं अपने गम बोल जाएंगे और गौरी दशरथ मांझी थी जिन्होंने खुद घटिया मानसिकता और सड़ जोड़ी सड़ चुकी धरणाओं से पहाड़ को अपनी क्रांति की कुल्हाड़ी से काटा और पूरे किन्नर समाज के लिए रास्ता बनाया है इसकी कहानी तो काफी सही है ही साथ ही में जो सुशेदा सैन है वो शायद इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट बैठती है मेरे हिसाब से शायद उनकी जगह पर कोई और होता तो इतनी कमाल की एक्टिंग शायद नहीं कर पाता भले उन्हें बॉलीवुड में अन्य लीडिंग एक्ट्रेस की तुलना में कम तोज् मिली है लेकिन जब जब उनके ऊपर कोई डायरेक्टर ने भरोसा किया है तो उन्होंने है दिल जरूर जीत लिया है डायरेक्टर का वो निराश बिल्कुल भी नहीं करती है इस बात का एग्ज़ाम्पल आप आर्य सीरीज से भी ले सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है अगर आपने इसे नहीं देखा तो आपने बहुत ही बेहतरीन सीरीज को मिस किया है मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों दो रोजाना आप ऐसी बहुत सारी फालतू की मूवीज़ देख लेते हैं इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास ये सीरीज़ है जिसे आप एक बार देख सकते हैं ये आपको निराश तो नहीं कराएंगी पर हाँ ये सीरीज़ दोस्तों आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी बहुत ही अच्छी और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है तो आपको आपके पास अगर समय और टाइम थोड़ा बहुत मिले तो आप इसके छह एपिसोड बारे बारे देख सकते हैं जो आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे और अब तो ये ऊपरी में भी उपलब्ध है क्योंकि दोस्तों हमें उन्हें जो चीज़ों है हम जो देखते हैं उसे सीखते हैं अगर कोई आकर आपको कुछ बताएगा यही स्टोरी आपको कोई बताएगा तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा मगर यही स्टोरी आप देखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ समझ आ जाएगा हालांकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप इसे अपने जीवन में ज़रूर उतार सकते हैं क्योंकि एक अकेला आदमी दोस्तों बहुत कुछ बदल सकता है ये बात यहाँ पर सच साबित होने वाली है तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो इस सीरीज़ को आप लोग एक बार तो जरूर देखिए दोस्तों ये आपको पसंद तो जरूर आने वाली है दोस्तों आप लोगों ने सीरीज तो काफ़ी सारी देखी होगी पर कुछ ऐसी सीरीज भी बनाई गई है जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो कि सत्य घटना पर बनाई हुई है आज मैं ऐसी कमाल की सीरीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और अब तो आप इसे फ्री में भी देख सकते हैं तो चलिए इस कमाल की सीरीज के बारे में बात करते हैं कहाँ पर यह आपको देखने को मिलेंगी साथ ही में इसके थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों ये सीरीज बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग एक बार तो जरूर देखिएगा इस सीरीज़ का नाम है ताली जिसे 2023 में रिलीज कराया गया था और ये पर बनी हुई सीरीज है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये सत्य घटना पर आधारित है इसकी रेटिंग बहुत ही शानदार निकल के आई है जो आई डीबी है वहाँ पर दस में से आर्ट की रेटिंग मिली है जो कि वाकई ही एक बहुत ही बढ़िया रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर एटी फाइव परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया था और इस सीरीज़ के जो डायरेक्टर है वो दोस्तों रवि यादव रहे हैं हालांकि वो एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की फिल्में उन्होंने बना रखी है और हाल ही में इनकी एक मूवी भी दोस्तों आई थी मैं अटल हूँ जो काफ़ी बढ़िया रही इस मूवी को भी लोगों ने खूब प्यार दिया है तो अगर हम ताली सीरीज के बारे में थोड़ी बात करें तो अगर आप इसे अभी हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को दोस्तों हिंदी में एकदम फ्री में देख सकते हैं जियो सिनेमा पे, जियो सिनेमा पे यह आपको एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर ड्रामा भी है और अमित राज का म्यूजिक भी है जो कि एक बेस्ट कॉम्बो बनाता है इस सीरीज को इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और इससे आपको लाइफ में बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस सीरीज की लीड का सुष्मिता सेन है और भी यहाँ पर कास्टिंग है जैसे कि कुर्दिका डीओ अंकुर भाटिया, शीतल काले सूरत जोशी विक्रम भाव हेमांगी कवि ऐश्वर्या नरकार हेमंत चौधरी नंदू माधव माया रचेल एम सीमानू से ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं खैर यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है इसे आप लोग फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये एक सीरीज़ है और सीरीज़ को कोई सेंसर की जरूरत तो पड़ती नहीं है और ऐसे ये प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है तो हो सकता है कि आपको इसके अंदर कुछ ख़राब सीन देखने को मिल सकते हैं बहुत सारे ऐसे सीन होंगे तो शायद आपको हैरान कर सकते हैं इसलिए आप इसे अकेले देखिए एक आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है दरअसल इस मूवी की जो कहानी है वो गौरी सावंत ने अपने जीवन में सरवी संघर्ष जो है पूरा दिखाया है जब वे छोटे थे, उस समय से ही उसकी माँ गुजर जाती है उसके अपने पिता तक भी स्वपूर्ति नहीं होती है जो उन्हें इस दुनिया में लेकर आए हैं उनकी बड़ी बहन ने उन्हें नकारा था जब बाहर गई तो लोगों ने नकारा हर जगह से ठोकरें खानी पड़ी ये तो समय था जब गणेश की आत्मा में गोरी हावी हो रही थी और गणेश की बेबसी गौरी की तहाड़ में तब्दील हो रही थी फिर तो वक्त भी आया जब गणेश ने पूरी तरह से खुद को गौरी में बदलने का ठान लिया था और यह बदलाव एक मामूल बदलाव नहीं था यह बदलाव पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाने वाला था जो सीढ़ी से नहीं हुआ था वो भी वाला था छः एपिसोड की ये सीरीज जो है वो शोर्ट रखा गया है और गौरी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण इंसिडेंट को इसमें शामिल किया गया है उनका घर छोड़ना किन्नर जाति में शामिल होना एक माँ के तौर पर खुद को विकसित करना और उन बर्स को निभाना साथ ही किन्नर समाज के हक के लिए लड़ना ये सारे घटनाक्रम इस वेब सीरीज के अंदर आपको दिखाया गया है श्री गौरी जीवन श्री गौरी जी का जो जीवन है तो यहाँ पर गाथा आप देख सकते हैं अपने गम बोल जाएंगे और गौरी दशरथ मांझी थी जिन्होंने खुद घटिया मानसिकता और सड़ जोड़ी सड़ चुके धरणाओं से पहाड़ को अपनी क्रांति की कुल्हाड़ी से काटा और पूरे किन्नर समाज के लिए रास्ता बनाया है इसकी कहानी तो काफ़ी सही है ही साथ ही में जो सुशेदा सैन है वो शायद इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट बैठती है मेरे हिसाब से शायद उनकी जगह पर कोई और होता तो इतनी कमाल की एक्टिंग शायद नहीं कर पाता भले उन्हें बॉलीवुड में अन्य लीडिंग एक्ट्रेस की तुलना में कम तोजो मिली है लेकिन जब जब उनके ऊपर कोई डायरेक्टर ने भरोसा किया है तो उन्होंने है डील ज़रूर जीत लिया है डायरेक्टर का वो निराश बिल्कुल भी नहीं करती है इस बात का एग्जाम्पल आप आर्य सीरीज से भी ले सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है अगर आपने इसे नहीं देखा तो आपने बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ को मिस किया है मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों दो रोज़ाना आप ऐसी बहुत सारी फालतू की मूवीज़ देख लेते हैं इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास ये सीरीज़ है जिसे आप एक बार देख सकते हैं ये आपको निराश तो नहीं कराएंगी पर हाँ ये सीरीज़ दोस्तों आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी बहुत ही अच्छी और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है तो आपको आपके पास अगर समय और टाइम थोड़ा बहुत मिले तो आप इसके अच्छे एपिसोड बारे बारे देख सकते हैं जो आपको जरूर अच्छे लगेंगे और अब तो ये में भी उपलब्ध है क्योंकि दोस्तों हमें उन्हें जो चीज़ है हम जो देखते हैं उसे सीखते हैं अगर कोई आकर आपको कुछ बताएगा यही हिस्टोरी आपको कोई बताएगा तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा मगर यही हिस्टोरी आप देखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ समझ आ जाएगा हालांकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप इसे अपने जीवन में ज़रूर उगा सकते हैं क्योंकि एक अकेला आदमी दोस्तों बहुत कुछ बदल सकता है ये बात यहाँ पर सच साबित होने वाली है तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो इस सीरीज़ को आप लोग एक बार तो जरूर देखिए दोस्तों ये आपको पसंद तो जरूर आने वाली है दोस्तों आप लोगों ने सीरीज तो काफ़ी सारी देखी होगी पर कुछ ऐसी सीरीज भी बनाई गई है जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो कि सत्य घटना पर बनाई हुई है आज हम ऐसी एक कमाल की सीरीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और अब तो आप इसे में भी देख सकते हैं तो चलिए इस कमाल की सीरीज के बारे में बात करते हैं कहा पर यह आपको देखने को मिलेंगी साथ ही में इसके थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों सीरीज बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग एक बार तो जरूर देखिएगा इस सीरीज का नाम है ताली जिसे 2023 में रिलीज कराया गया था और ये पर बनी हुई सीरीज है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सत्य तिघटना पर आधारित है इसकी रेटिंग बहुत ही शानदार निकल के आई है जो आई है वहाँ पर दस में से आठ की रेटिंग मिली है जो कि वाकई ही एक बहुत ही बढ़िया रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर एटी फाइव परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया था और इस सीरीज़ के जो डायरेक्टर है वो दोस्तों रवि यादव रहे हैं हालांकि वो एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की फिल्में उन्होंने बना रखी है और हाल ही में इनकी एक मूवी भी दोस्तों आई थी मैं अटल हूँ जो काफ़ी बढ़िया रही इस मूवी को भी लोगों ने खूब प्यार दिया है तो अगर हम ताली सीरीज के बारे में थोड़ी बात करें तो अगर आप इसे अभी हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ को दोस्तों हिंदी में एकदम फ्री में देख सकते हैं जियो सिनेमा पे। जियो सिनेमा पे यह आपको एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर ड्रामा भी है और अमित राज का म्यूजिक भी है जो कि एक बेस्ट कॉम्बो बनाता है इस सीरीज को इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और इससे आपको लाइफ में बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस सीरीज की का सुष्मिता सेन है और भी यहाँ पर कास्टिंग है जैसे कि का डीओ अंकुर बाटिया शीतल काले सूरत जोशी विक्रम भाव हेमांगी कवि ऐश्वर्या नरकार हेमंत चौधरी नंदू माधव माया रचेल एम सीमानू ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं ख़ैर यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है इसे आप लोग फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये एक सीरीज़ है और सीरीज़ को कोई सैंसर की जरूरत तो पड़ती नहीं है और ऐसे ये प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है तो हो सकता है कि आपको इसके अंदर कुछ ख़राब सीन देखने को मिल सकते हैं बहुत सारे ऐसे सीन होंगे शायद आपको आयरन कर सकते हैं इसलिए आप इसे अकेले देखिए एक आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है दरअसल इस मूवी की जो कहानी है वो गौरी सावंत ने अपने जीवन में सर्वी संघर्ष जो है उन्हें दिखाया है जब वे छोटे थे, उस समय से ही उसकी माँ गुजर जाती है उसके अपने पिता तक भी स्वपूर्ति नहीं होती है जो उन्हें इस दुनिया में लेकर आए हैं उनकी बड़ी बहन ने उन्हें नकारा था जब बाहर गई तो लोगों ने नकारा हर जगह से ठोकरें खानी पड़ी ये तो समय था जब गणेश की आत्मा में गोरी हावी हो रही थी और गणेश की बेबसी गौरी की तहाड़ में तब्दील हो रही थी फिर तो वक्त भी आया जब गणेश ने पूरी तरह से खुद को गौरी में बदलने का ठान लिया था और यह बदलाव एक मामूल बदलाव नहीं था यह बदलाव पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाने वाला था जो सीढ़ी से नहीं हुआ था वो बोलने वाला था छः एपिसोड की ये सीरीज़ जो है स्वाट रखा गया है और गौरी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण इंसिडेंट को इसमें शामिल किया गया है उनका घर छोड़ना किन्नर जाति में शामिल होना एक माँ के तौर पर खुद को विकसित करना और उन वर्ष को निभाना साथ ही किन्नर समाज के हक के लिए लड़ना ये सारे घटनाक्रम इस वेब सीरीज के अंदर आपको दिखाए गए हैं श्री गौरी जीवन श्री गौरी जी का जो जीवन है वो यहाँ पर गाथा आप देख सकते हैं अपने गम भूल जाएंगे और गौरी दशरथ मांझी थी जिन्होंने खुद घटिया मानसिकता और सड़ जोड़ी सड़ चुकी धरणाओं से पहाड़ को अपनी क्रांति की कुल्हाड़ी से काटा और पूरे किन्नर समाज के लिए रास्ता बनाया है इसकी कहानी तो काफी सही है ही साथ ही में जो सुशेदा सैन है वो शायद इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट बैठती है मेरे हिसाब से शायद उनकी जगह पर कोई और होता तो इतनी कमाल की एक्टिंग शायद नहीं कर पाता बालीवुड ने बॉलीवुड में अन्य लीडिंग एक्ट्रेस की तुलना में कम तोज्जो मिली है लेकिन जब जब उनके ऊपर कोई डायरेक्टर ने भरोसा किया है तो उन्होंने है दिल जरूर जीत लिया है डायरेक्टर का वो निराश बिल्कुल भी नहीं करती है इस बात का एग्जाम्पल आप आर्य सीरीज से भी ले सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है अगर आपने इसे नहीं देखा तो आपने बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ को मिस किया है मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों दो रोज़ाना आप ऐसी बहुत सारी फालतू की मूवीज़ देख लेते हैं इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास ये सीरीज़ है जिसे आप एक बार देख सकते हैं ये आपको निराश तो नहीं कराएंगी पर हाँ ये सीरीज़ दोस्तों आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी बहुत ही अच्छी और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है तो आपको आपके पास अगर समय और टाइम थोड़ा बहुत मिले तो आप इसके एपिसोड बारे बारे देख सकते हैं जो आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे और अब तो ये ब्री में भी उपलब्ध है क्योंकि दोस्तों हमें उन्हें जो चीज़ है हम जो देखते हैं उसे सीखते हैं अगर कोई आकर आपको कुछ बताएगा यही स्टोरी आपको कोई बताएगा तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा मगर यही स्टोरी आप देखेंगे तो आपको जरूर कुछ समझ आ जाएगा हालांकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप इसे अपने जीवन में जरूर उतार सकते हैं क्योंकि एक अकेला आदमी दोस्तों बहुत कुछ बदल सकता है ये बात यहाँ पर सच साबित होने वाली है तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो इस सीरीज़ को आप लोग एक बार तो जरूर देखिए दोस्तों ये आपको पसंद तो जरूर आने वाली है दोस्तों आप लोगों ने सीरीज तो काफ़ी सारी देखी होगी पर कुछ ऐसी सीरीज भी बनाई गई है जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो कि सत्य घटना पर बनाई हुई है आज हम ऐसी एक कमाल की सीरीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और अब तो आप इसे फ्री में भी देख सकते हैं तो चलिए इस कमाल की सीरीज के बारे में बात करते हैं कहाँ पर यह आपको देखने को मिलेंगी साथ ही में इसके थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों ये सीरीज़ बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिएगा इस सीरीज़ का नाम है ताली जिसे 2023 में रिलीज़ कराया गया था और ये पर बनी हुई सीरीज़ है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यद सत्य घटना पर आधारित है इसकी रेटिंग बहुत ही शानदार निकल के आई है जो आई है वहाँ पर दस में से आठ की रेटिंग मिली है जो कि वाकई ही एक बहुत ही बढ़िया रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर एटी फाइव परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया था और इस सीरीज़ की जो डायरेक्टर है वो दोस्तों रवि यादव रहे हैं हालांकि वो एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की फिल्में उन्होंने बना रखी है और हाल ही में इनकी एक मूवी भी दोस्तों आई थी मैं अटल हूँ जो काफ़ी बढ़िया रही इस मूवी को भी लोगों ने खूब प्यार दिया है तो अगर हम ताली सीरीज के बारे में थोड़ी बात करें तो अगर आप इसे अभी हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को दोस्तों हिंदी में एकदम फ्री में देख सकते हैं जियो सिनेमा पे। जियो सिनेमा पे यह आपको एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर ड्रामा भी है और अमित राज का म्यूजिक भी है जो कि एक बेस्ट कॉम्बो बनाता है इस सीरीज को इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और इससे आपको लाइफ में बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस सीरीज की का सुष्मिता सेन है और भी यहाँ पर कास्टिंग है जैसे कि कुर्दिका डीओ अंकुर बाटिया शीतल काले सूरत जोशी विक्रम भाव हेमांगी कवि ऐश्वर्या नरकार हेमंत चौधरी नंदू माधव माया रचेल एम सीमानू ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं खैर यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है इसे आप लोग फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये एक सीरीज़ है और सीरीज़ को कोई सैंसर की जरूरत तो पड़ती नहीं है और ऐसे ये प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है तो हो सकता है कि आपको इसके अंदर कुछ ख़राब सीन देखने को मिल सकते हैं बहुत सारे ऐसे सीन होंगे जो शायद आपको हैरान कर सकते हैं इसलिए आप इसे अकेले देखिए एक आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है दरअसल इस मूवी की जो कहानी है वो गौरी सावंत ने अपने जीवन में सर्वी संघर्ष जो है पूरा दिखाया है जब वे छोटी थे उस समय से ही उसकी माँ गुजर जाती है उसके अपने पिता तक भी स्वपूर्ति नहीं होती है जो उन्हें इस दुनिया में लेकर आए हैं उनकी बड़ी बहन ने उन्हें नकारा था जब बाहर गई तो लोगों ने नकारा हर जगह से ठोकरें खानी पड़ी ये तो समय था जब गणेश की आत्मा में गोरी हावी हो रही थी और गणेश की बेबसी गोरी की दहाड़ में तब्दील हो रही थी फिर तो वक्त भी आया जब गणेश ने पूरी तरह से खुद को गौरी में बदलने का ठान लिया था और यह बदलाव एक मामुल बदलाव नहीं था यह बदलाव पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाने वाला था जो से नहीं हुआ था वो भी वाला था एपिसोड की ये सीरीज जो है वो स्वाट रखा गया है और गौरी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण इंसिडेंट को इसमें शामिल किया गया है उनका घर छोड़ना किन्नर जाति में शामिल होना एक माँ के तौर पर खुद को विकसित करना और उन फर्श को निभाना साथ ही किन्नर समाज के हक के लिए लड़ना ये सारे घटनाक्रम इस वेब सीरीज के अंदर आपको दिखाए गए हैं श्री गौरी जीवन श्री गौरी जी का जो जीवन है वो यहाँ पर गाथा आप देख सकते हैं अपने गम बोल जाएंगे और गौरी दशरथ मांझी थी जिन्होंने खुद घटिया मानसिकता और सड़ जोड़ी सड़ चुके धरणाओं से पहाड़ को अपनी क्रांति की कुल्हाड़ी से काटा और पूरे किन्नर समाज के लिए रास्ता बनाया है इसकी कहानी तो काफ़ी सही है ही साथ ही में जो सुशेदा सैन है वो शायद इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट बैठती हैं मेरे हिसाब से शायद उनकी जगह पर कोई और होता तो इतनी कमाल की एक्टिंग शायद नहीं कर पाता भले उन्हें बॉलीवुड में अन्य लीडिंग एक्ट्रेस की तुलना में कम तोज्जो मिली है लेकिन जब जब उनके ऊपर कोई डायरेक्टर ने भरोसा किया है तो उन्होंने है दिल जरूर जीत लिया है डायरेक्टर का वो निराश बिल्कुल भी नहीं करती है इस बात का एग्ज़ाम्पल आप आर्य सीरीज से भी ले सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है अगर आपने इसे नहीं देखा तो आपने बहुत ही बेहतरीन सीरीज को मिस किया है मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों दो रोज़ाना आप ऐसी बहुत सारी फालतू की मूवीज़ देख लेते हैं इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास ये सीरीज़ है जिसे आप एक बार देख सकते हैं ये आपको निराश तो नहीं कराएंगी पर हाँ ये सीरीज़ दोस्तों आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी बहुत ही अच्छी और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है तो आपको आपके पास अगर समय और टाइम थोड़ा बहुत मिले तो आप इसके अच्छे एपिसोड बारे बारे देख सकते हैं जो आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे और अब तो ये ब्रीमे भी उपलब्ध है क्योंकि दोस्तों हमें उन्हें जो चीज़ों है हम जो देखते हैं उसे सीखते हैं अगर कोई आकर आपको कुछ बताएगा यही स्टोरी आपको कोई बताएगा तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा मगर यही स्टोरी आप देखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ समझ आ जाएगा हालांकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप इसे अपने जीवन में ज़रूर गा सकते हैं क्योंकि एक अकेला आदमी दोस्तों बहुत कुछ बदल सकता है ये बात यहाँ पर सच साबित होने वाली है तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो इस सीरीज़ को आप लोग एक बार तो जरूर देखिए दोस्तों ये आपको पसंद तो जरूर आने वाली है दोस्तों आप लोगों ने सीरीज तो काफ़ी सारी देखी होगी पर कुछ ऐसी सीरीज भी बनाई गई है जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो कि सत्य घटना पर बनाई हुई है आज हम ऐसी एक कमाल की सीरीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और अब तो आप इसे फ्री में भी देख सकते हैं तो चलिए इस कमाल की सीरीज के बारे में बात करते हैं कहा आपको देखने को मिलेंगी साथ ही में इसके थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों ये सीरीज बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग एक बार तो जरूर देखिएगा इस सीरीज का नाम है ताली जिसे 2023 में रिलीज कराया गया था और ये पर बनी हुई सीरीज है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सत्य तिघटना पर आधारित है इसकी रेटिंग बहुत ही शानदार निकल के आई है जो आई है वहाँ पर दस में से आठ की रेटिंग मिली है जो कि वाकई ही एक बहुत ही बढ़िया रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर एटी फाइव परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया था और इस सीरीज़ के जो डायरेक्टर है वो दोस्तों रवि यादव रहे हैं हालाँकि वो एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की फिल्में उन्होंने बना रखी है और हाल ही में इनकी एक मूवी भी दोस्तों आई थी मैं अटल हूँ जो काफ़ी बढ़िया रही इस मूवी को भी लोगों ने खूब प्यार दिया है तो अगर हम ताली सीरीज के बारे में थोड़ी बात करें तो अगर आप इसे अभी हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को दोस्तों हिंदी में एकदम फ्री में देख सकते हैं जियो सिनेमा पे जियो सिनेमा पे यह आपको एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर ड्रामा भी है और अमित राज का म्यूजिक भी है जो कि एक बेस्ट कॉम्बो बनाता है इस सीरीज को इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और इससे आपको लाइफ में बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस सीरीज की लीड का सुष्मिता सेन है और भी यहाँ पर कास्टिंग है जैसे कि का डीओ अंकुर बाटिया शीतल काले सूवरत जोशी विक्रम भाव हेमांगी कवि ऐश्वर्या नरकार हेमंत चौधरी नंदू माधव माया रचेल एम सी ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं ख़ैर यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है इसे आप लोग फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये एक सीरीज़ है और सीरीज़ को कोई सेंसर की जरूरत तो पड़ती नहीं है और ऐसे ये प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है तो हो सकता है कि आपको इसके अंदर कुछ ख़राब सीन देखने को मिल सकते हैं बहुत सारे ऐसे सीन हो गए जो शायद आपको हैरान कर सकते हैं इसलिए आप इसे अकेली देखिए एक आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है दरअसल इस मूवी की जो कहानी है वो गौरी सावंत ने अपने जीवन में सर्वी संघर्ष जो है उन्हें दिखाया है जब वे छोटे थे उस समय से ही उसकी माँ गुजर जाती है उसके अपने पिता तक भी स्वपूर्ति नहीं होती है जो उन्हें इस दुनिया में लेकर आए हैं उनकी बड़ी बहन ने उन्हें नकारा था जब बाहर गई तो लोगों ने नकारा हर जगह से ठोकरें खानी पड़ी ये तो समय था जब गणेश की आत्मा में गोरी हावी हो रही थी और गणेश की बेबसी गौरी की दहाड़ में तब्दील हो रही थी फिर तो वक्त भी आया जब गणेश ने पूरी तरह से खुद को गौरी में बदलने का ठान लिया था और ये बदलाव एक मामूल बदलाव नहीं था यह बदलाव पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाने वाला था जो सिद्धियों से नहीं हुआ था वो भी वाला था छह एपिसोड की यह सीरीज जो स्वार गया है और गौरी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण को इसमें शामिल किया गया है उनका घर छोड़ना किन्नर जाति में शामिल होना एक माँ के तौर पर खुद को विकसित करना और उन फर्स को निभाना साथ ही किन्नर समाज के हक के लिए लड़ना ये सारे घटनाक्रम इस वेब सीरीज के अंदर आपको दिखाया गया है श्री गौरी जीवन श्री गौरी जी का जो जीवन है यहाँ पर गाथा आप देख सकते हैं अपने गम बोल जाएंगे और गौरी दशरथ मांझी थी जिन्होंने खुद घटिया मानसिकता और सड़ जोड़ी सड़जी धरनाओं से पहाड़ को अपनी क्रांति की कुल्हाड़ी से काटा और पूरे किन्नर समाज के लिए रास्ता बनाया है इसकी कहानी तो काफी सही है ही साथ ही में जो सुशेदा सहन है वो शायद इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट बैठती हैं मेरे हिसाब से शायद उनकी जगह पर कोई और होता तो इतनी कमाल के एक्टिंग शायद नहीं कर पाता भले उन्हें बॉलीवुड में अन्य लीडिंग एक्ट्रेस की तुलना में कम तोज् मिली है लेकिन जब जब उनके ऊपर कोई डायरेक्टर ने भरोसा किया है तो उन्होंने है दिल जरूर जीत लिया है डायरेक्टर का वो तो निराश बिल्कुल भी नहीं करती है इस बात का एग्ज़ाम्पल आप आर्य सीरीज से भी ले सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है अगर आपने इसे नहीं देखा तो आपने बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ को मिस किया है मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों दो रोज़ाना आप ऐसी बहुत सारी फालतू की मूवीज़ देख लेते हैं इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास ये सीरीज़ है जिसे आप एक बार देख सकते हैं ये आपको निराश तो नहीं कराएंगी पर हाँ ये सीरीज़ दोस्तों आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी बहुत ही अच्छी और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है तो आपको आपके पास अगर समय और टाइम थोड़ा बहुत मिले तो आप इसके एपिसोड बारे बारे देख सकते हैं जो आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे और अब तो ये बीमें भी उपलब्ध है क्योंकि दोस्तों हमें उन्हीं जो चीज़ों है हम जो देखते हैं उसे सीखते हैं अगर कोई आकर आपको कुछ बताएगा यही स्टोरी आपको कोई बताएगा तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा मगर यही स्टोरी आप देखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ समझ आ जाएगा हालांकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप इसे अपने जीवन में ज़रूर गा सकते हैं क्योंकि एक अकेला आदमी दोस्तों बहुत कुछ बदल सकता है ये बात यहाँ पर सच साबित होने वाली है तो बहुत ही अच्छी सीरीज बनाई गई है तो इस सीरीज़ को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए दोस्तों ये आपको पसंद तो जरूर आने वाली है दोस्तों आप लोगों ने सीरीज़ तो काफ़ी सारी देखी होगी पर कुछ ऐसी सीरीज भी बनाई गई है जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो कि सत्य घटना पर बनाई हुई है आज मैं ऐसी कमाल की सीरीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और अब तो आप इसे फ्री में भी देख सकते हैं तो चलिए इस कमाल की सीरीज के बारे में बात करते हैं कहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी साथ ही में इसके थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों ये सीरीज बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग एक बार तो जरूर देखिएगा इस सीरीज का नाम है ताली जिसे 2023 में रिलीज कराया गया था और ये बायोग्राफकर बनी हुई सीरीज है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सत्य तिघटना पर आधारित है इसकी रेटिंग बहुत ही शानदार निकल के आई है जो आई है वहाँ पर दस में से आठ की रेटिंग मिली है जो कि वाकई ही एक बहुत ही बढ़िया रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर एटी फाइव परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया था और इस सीरीज़ की जो डायरेक्टर है वो दोस्तों रवि यादव रहे हैं हालांकि वो एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की फिल्में उन्होंने बना रखी है और हाल ही में इनकी एक मूवी भी दोस्तों आई थी मैं अटल हूँ जो काफ़ी बढ़िया रही इस मूवी को भी लोगों ने खूब प्यार दिया है तो अगर हम ताली सीरीज के बारे में थोड़ी बात करें तो अगर आप इसे अभी हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ को दोस्तों हिंदी में एकदम फ्री में देख सकते हैं जियो सिनेमा पे जियो सिनेमा यह आपको एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर ड्रामा भी है और अमित राज का म्यूजिक भी है जो कि एक बेस्ट कॉम्बो बनाता है इस सीरीज को इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और इससे आपको लाइफ में बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस सीरीज़ की लीड का सुष्मिता सेन है और भी यहाँ पर कास्टिंग है जैसे कि कुर्दी का डीओ अंकुर बाटिया शीतल काले सूवरत जोशी विक्रम भाव हेमांगी कवि ऐश्वर्या नरकार हेमंत चौधरी नंदू माधव माया रचेल एम सी मानूस ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं खैर यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है इसे आप लोग फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये एक सीरीज़ है और सीरीज़ को कोई सैंसर की जरूरत तो पड़ती नहीं है और ऐसे ये प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है तो हो सकता है कि आपको इसके अंदर कुछ ख़राब सीन देखने को मिल सकते हैं बहुत सारे ऐसे सीन होंगे जो शायद आपको वायरल कर सकते हैं इसलिए आप इसे अकेले देखिए एक आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है दरअसल इस मूवी की जो कहानी है वो गौरी सावंत ने अपने जीवन में सर्वी संघर्ष जो है पूरा दिखाया है जब वे छोटे थे उस समय से ही उसकी माँ गुजर जाती है उसके अपने पिता तक भी स्वपुर नहीं होती है जो उन्हें इस दुनिया में लेकर आए हैं उनकी बड़ी बहन ने उन्हें नकारा था जब बाहर गई तो लोगों ने नकारा हर जगह से ठोकरें खानी पड़ी ये तो समय था जब गणेश की आत्मा में गोरी हावी हो रही थी और गणेश की बेबसी गौरी की दहाड़ में तब्दील हो रही थी फिर तो वक्त भी आया जब गणेश ने पूरी तरह से खुद को गौरी में बदलने का ठान लिया था और यह बदलाव एक मामुल बदलाव नहीं था यह बदलाव पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाने वाला था जो सीढ़ी से नहीं हुआ था वो बोलने वाला था छः एपिसोड की ये सीरीज जो है शोट रखा गया है और गौरी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण इंसिडेंट को इसमें शामिल किया गया है उनका घर छोड़ना किन्नर जाति में शामिल होना एक माँ के तौर पर खुद को विकसित करना और उन वर्श को निभाना साथ ही किन्नर समाज के हक के लिए लड़ना ये सारे घटनाक्रम इस वेब सीरीज के अंदर आपको दिखाया गया है श्री गौरी जीवन श्री गौरी जी का जो जीवन है तो यहाँ पर गाथा आप देख सकते हैं अपने गम भूल जाएंगे और गौरी दशरथ मांझी थी जिन्होंने खुद घटिया मानसिकता और सड़ जोड़ी सड़ चुके धरणाओं से पहाड़ को अपनी क्रांति की कुल्हाड़ी से काटा और पूरे किन्नर समाज के लिए रास्ता बनाया है इसकी कहानी तो काफ़ी सही है ही साथ ही में जो सुस्वेदा सैन है वो शायद इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट बैठती है मेरे हिसाब से शायद उनकी जगह पर कोई और होता तो इतनी कमाल की एक्टिंग शायद नहीं कर पाता बालीवुड ए बॉलीवुड में अन्य लीडिंग एक्ट्रेस की तुलना में कम तोज्ह मिली है लेकिन जब जब उनके ऊपर कोई डायरेक्टर ने भरोसा किया है तो उन्होंने है दिल जरूर जीत लिया है डायरेक्टर का वो निराश बिल्कुल भी नहीं करती है इस बात का एग्ज़ाम्पल आप आर्य सीरीज से भी ले सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है अगर आपने इसे नहीं देखा तो आपने बहुत ही बेहतरीन सीरीज को मिस किया है मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों दो रोजाना आप ऐसी बहुत सारी फालतू की मूवीज़ देख लेते हैं इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास ये सीरीज़ है जिसे आप एक बार देख सकते हैं ये आपको निराश तो नहीं कराएंगी पर हाँ ये सीरीज़ दोस्तों आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी बहुत ही अच्छी और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है तो आपको आपके पास अगर समय और टाइम थोड़ा बहुत मिले तो आप इसके एपिसोड बारे बारे देख सकते हैं जो आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे और अब तो ये में भी उपलब्ध है क्योंकि दोस्तों हमें उन्हें जो चीज़ों है हम जो देखते हैं उसे सीखते हैं अगर कोई आकर आपको कुछ बताएगा यही स्टोरी आपको कोई बताएगा तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा मगर यही स्टोरी आप देखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ समझ आ जाएगा हालांकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप इसे अपने जीवन में ज़रूर उतार सकते हैं क्योंकि एक अकेला आदमी दोस्तों बहुत कुछ बदल सकता है ये बात यहाँ पर सच साबित होने वाली है तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो इस सीरीज़ को आप लोग एक बार तो जरूर देखिए दोस्तों ये आपको पसंद तो जरूर आने वाली है दोस्तों आप लोगों ने सीरीज तो काफ़ी सारी देखी होगी पर कुछ ऐसी सीरीज भी बनाई गई है जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो कि सत्य घटना पर बनाई हुई है आज मैं ऐसी एक कमाल की सीरीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और अब तो आप इसे फ्री में भी देख सकते हैं तो चलिए इस कमाल की सीरीज के बारे में बात करते हैं कहाँ पर यह आपको देखने को मिलेंगी साथ ही में इसके थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों ये सीरीज बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग एक बार तो जरूर देखिएगा इस सीरीज़ का नाम है ताली जिसे 2023 में रिलीज कराया गया था और ये पर बनी हुई सीरीज है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये सत्य घटना पर आधारित है इसकी रेटिंग बहुत ही शानदार निकल के आई है जो आई एफ डीबी है वहाँ पर दस में से आर्ट की रेटिंग मिली है जो कि वाकई ही एक बहुत ही बढ़िया रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर एटी फाइव परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया था और इस सीरीज़ के जो डायरेक्टर है वो दोस्तों रवि यादव रहे हैं हालांकि वो एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की फिल्में उन्होंने बना रखी है और हाल ही में इनकी एक मूवी भी दोस्तों आई थी मैं अटल हूँ जो काफ़ी बढ़िया रही इस मूवी को भी लोगों ने खूब प्यार दिया है तो अगर हम ताली सीरीज के बारे में थोड़ी बात करें तो अगर आप इसे अभी हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को दोस्तों हिंदी में एकदम फ्री में देख सकते हैं जियो सिनेमा पे, जियो सिनेमा पे यह आपको एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर ड्रामा भी है और अमित राज का म्यूजिक भी है जो कि एक बेस्ट कॉम्बो बनाता है इस सीरीज को इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और इससे आपको लाइफ में बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस सीरीज़ की लीड का सुष्मिता सेन है और भी यहाँ पर कास्टिंग है जैसे कि कुरदिका का डीओ, अंकुर भाटिया, शीतल काले सूरत जोशी विक्रम भाव हेमांगी कवि ऐश्वर्या नरकार हेमंत चौधरी नंदू माधव माया रचेल एम सीमानू ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं खैर यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है इसे आप लोग फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये एक सीरीज़ है और सीरीज़ को कोई सेंसर की जरूरत तो पड़ती नहीं है और ऐसे ये प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है तो हो सकता है कि आपको इसके अंदर कुछ ख़राब सीन देखने को मिल सकते हैं बहुत सारे ऐसे सीन होंगे जो शायद आपको हैरान कर सकते हैं इसलिए आप इसे अकेले देखिए एक आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है दरअसल इस मूवी की जो कहानी है वो गौरी सावंत ने अपने जीवन में सरवी संघर्ष जो है पूरा दिखाया है जब वे छोटे थे उस समय से ही उसकी माँ गुजर जाती है उसके अपने पिता तक भी स्वपूर्ति नहीं होती है जो उन्हें इस दुनिया में लेकर आए हैं उनकी बड़ी बहन ने उन्हें नकारा था जब बाहर गई तो लोगों ने नकारा हर जगह से ठोकरें खानी पड़ी ये तो समय था जब गणेश की आत्मा में गोरी हावी हो रही थी और गणेश की बेबसी गोरी की दहाड़ में तब्दील हो रही थी फिर तो वक्त भी आया जब गणेश ने पूरी तरह से खुद को गौरी में बदलने का ठान लिया था और यह बदलाव एक मामुल बदलाव नहीं था यह बदलाव पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाने वाला था जो सिद्धि से नहीं हुआ था वो भी वाला था छह एपिसोड की ये सीरीज जो है वो शोर्ट रखा गया है और गौरी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण इंसिडेंट को इसमें शामिल किया गया है उनका घर छोड़ना किन्नर जाति में शामिल होना एक माँ के तौर पर खुद को विकसित करना और उन बर्स को निभाना साथ ही किन्नर समाज के हक के लिए लड़ना ये सारे घटनाक्रम इस वेब सीरीज के अंदर आपको दिखाया गया है श्री गौरी जीवन श्री गौरी जी का जो जीवन है तो यहाँ पर गाथा आप देख सकते हैं अपने गम बोल जाएंगे और गौरी दशरथ मांझी थी जिन्होंने खुद घटिया मानसिकता और सड़ जोड़ी सड़ चुके धरणाओं से पहाड़ को अपनी क्रांति की कुल्हाड़ी से काटा और पूरे किन्नर समाज के लिए रास्ता बनाया है इसकी कहानी तो काफ़ी सही है ही साथ ही में जो सुशेदा सहन है वो शायद इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट बैठती है मेरे हिसाब से शायद उनकी जगह पर कोई और होता तो इतनी कमाल के एक्टिंग शायद नहीं कर पाता भलेवु ने बॉलीवुड में अन्य लीडिंग एक्ट्रेस की तुलना में कम तोज्जो मिली है लेकिन जब जब उनके ऊपर कोई डायरेक्टर ने भरोसा किया है तो उन्होंने है दिल जरूर जीत लिया है डायरेक्टर का वो निराश बिल्कुल भी नहीं करती है इस बात का एग्जाम्पल आप आर्य सीरीज से भी ले सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है अगर आपने इसे नहीं देखा तो आपने बहुत ही बेहतरीन सीरीज को मिस किया है मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों दो रोज़ाना आप ऐसी बहुत सारी फालतू की मूवीज़ देख लेते हैं इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास ये सीरीज़ है जिसे आप एक बार देख सकते हैं ये आपको निराश तो नहीं कराएंगी पर हाँ ये सीरीज़ दोस्तों आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी बहुत ही अच्छी और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है तो आपको आपके पास अगर समय और टाइम थोड़ा बहुत मिले तो आप इसके अच्छे एपिसोड बारे बारे देख सकते हैं जो आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे और अब तो ये में भी उपलब्ध है क्योंकि दोस्तों हमें उन्हें जो है हम जो देखते हैं उसे सीखते हैं अगर कोई आकर आपको कुछ बताएगा यही हिस्टोरी आपको कोई बताएगा तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा मगर यही स्टोरी आप देखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ समझ आ जाएगा हालांकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप इसे अपने जीवन में ज़रूर उदास सकते हैं क्योंकि एक अकेला आदमी दोस्तों बहुत कुछ बदल सकता है ये बात यहाँ पर सच साबित होने वाली है तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो इस सीरीज़ को आप लोग एक बार तो जरूर देखिए दोस्तों ये आपको पसंद तो जरूर आने वाली है दोस्तों आप लोगों ने सीरीज तो काफ़ी सारी देखी होगी पर कुछ ऐसी सीरीज भी बनाई गई है जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो कि सत्य घटना पर बनाई हुई है आज हम ऐसी एक कमाल की सीरीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और अब तो आप इसे फ्री में भी देख सकते हैं तो चलिए इस कमाल की सीरीज के बारे में बात करते हैं कहा पर यह आपको देखने को मिलेंगी साथ ही में इसके थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों सीरीज बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग एक बार तो जरूर देखिएगा इस सीरीज का नाम है ताली जिसे 2023 में रिलीज कराया गया था और ये पर बनी हुई सीरीज है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सत्य तिघटना पर आधारित है इसकी रेटिंग बहुत ही शानदार निकल के आई है जो आई है वहाँ पर दस में से आठ की रेटिंग मिली है जो कि वाकई ही एक बहुत ही बढ़िया रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर एटी फाइव परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया था और इस सीरीज़ के जो डायरेक्टर है वो दोस्तों रवि यादव रहे हैं हालांकि वो एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की फिल्में उन्होंने बना रखी है और हाल ही में इनकी एक मूवी भी दोस्तों आई थी मैं अटल हूँ जो काफ़ी बढ़िया रही इस मूवी को भी लोगों ने खूब प्यार दिया है तो अगर हम ताली सीरीज के बारे में थोड़ी बात करें तो अगर आप इसे अभी हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ को दोस्तों हिंदी में एकदम फ्री में देख सकते हैं जियो सिनेमा पे जियो सिनेमा पे यह आपको एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर ड्रामा भी है और अमित राज का म्यूजिक भी है जो कि एक बेस्ट कोम्बो बनाता है इस सीरीज को इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और इससे आपको लाइफ में बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस सीरीज की लीड का सुष्मिता सेन है और भी यहाँ पर कास्टिंग है जैसे कि कुर्दिका डीओ अंकुर बाटिया शीतल काले सूरत जोशी विक्रम भाव हेमांगी कवि ऐश्वर्या नरकार हेमंत चौधरी नंदू माधव माया रचेल एम सी ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं खैर यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है इसे आप लोग फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये एक सीरीज़ है और सीरीज़ को कोई सेंसर की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है और ऐसे ये प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है तो हो सकता है कि आपको इसके अंदर कुछ ख़राब सीन देखने को मिल सकते हैं बहुत सारे ऐसे सीन होंगे जो शायद आपको हैरान कर सकते हैं इसलिए आप इसे अकेली देखिए एक आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है दरअसल इस मूवी की जो कहानी है वो गौरी सावंत ने अपने जीवन में सर्वी संघर्ष जो है उन्हें दिखाया है जब वे छोटे थे उस समय से ही उसकी माँ गुजर जाती है उसके अपने पिता तक भी स्वपूर्ति नहीं होती है जो उन्हें इस दुनिया में लेकर आए हैं उनकी बड़ी बहन ने उन्हें नकारा था जब बाहर गई तो लोगों ने नकारा हर जगह से ठोकरें खानी पड़ी ये तो समय था जब गणेश की आत्मा में गोरी हावी हो रही थी और गणेश की बेबसी गौरी की दहाड़ में तब्दील हो रही थी फिर तो वक्त भी आया जब गणेश ने पूरी तरह से खुद को गौरी में बदलने का ठान लिया था और यह बदलाव एक मामूल बदलाव नहीं था यह बदलाव पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाने वाला था जो सीढ़ी से नहीं हुआ था वो बोलने वाला था छः एपिसोड की ये सीरीज़ जो है स्वाट रखा गया है और गौरी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण इंसिडेंट को इसमें शामिल किया गया है उनका घर छोड़ना किन्नर जाति में शामिल होना एक माँ के तौर पर खुद को विकसित करना और उन वर्ष को निभाना साथ ही किन्नर समाज के हक के लिए लड़ना ये सारे घटनाक्रम इस वेब सीरीज के अंदर आपको दिखाए गए हैं श्री गौरी जीवन श्री गौरी जी का जो जीवन है वो यहाँ पर गाथा आप देख सकते हैं अपने गम भूल जाएंगे और गौरी दशरथ मांझी थी जिन्होंने खुद घटिया मानसिकता और सड़ जोड़ी सड़ चुकी धरणाओं से पहाड़ को अपनी क्रांति की कुल्हाड़ी से काटा और पूरे किन्नर समाज के लिए रास्ता बनाया है इसकी कहानी तो काफी सही है ही साथ ही में जो सुशेदा सैन है वो शायद इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट बैठती है मेरे हिसाब से शायद उनकी जगह पर कोई और होता तो इतनी कमाल की एक्टिंग शायद नहीं कर पाता बालीवुड ने बॉलीवुड में अन्य लीडिंग एक्ट्रेस की तुलना में कम तोज्जो मिली है लेकिन जब जब उनके ऊपर कोई डायरेक्टर ने भरोसा किया है तो उन्होंने है दिल जरूर जीत लिया है डायरेक्टर का वो निराश बिल्कुल भी नहीं करती है इस बात का एग्जाम्पल आप आर्य सीरीज से भी ले सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है अगर आपने इसे नहीं देखा तो आपने बहुत ही बेहतरीन सीरीज को मिस किया है मैं आप सही से यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों दो रोज़ाना आप ऐसी बहुत सारी फालतू की मूवीज़ देख लेते हैं इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास ये सीरीज़ है जिसे आप एक बार देख सकते हैं ये आपको निराश तो नहीं कराएंगी पर हाँ ये सीरीज़ दोस्तों आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी बहुत ही अच्छी और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है तो आपको आपके पास अगर समय और टाइम थोड़ा बहुत मिले तो आप इसके एपिसोड बारे बारे देख सकते हैं जो आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे और अब तो ये ब्री में भी उपलब्ध है क्योंकि दोस्तों हमें उन्हीं जो चीज़ है हम जो देखते हैं उसे सीखते हैं अगर कोई आकर आपको कुछ बताएगा यही स्टोरी आपको कोई बताएगा तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा मगर यही स्टोरी आप देखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ समझ आ जाएगा हालांकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप इसे अपने जीवन में ज़रूर गा सकते हैं क्योंकि एक अकेला आदमी दोस्तों बहुत कुछ बदल सकता है ये बात यहाँ पर सच साबित होने वाली है तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो इस सीरीज़ को आप लोग एक बार तो जरूर देखिए दोस्तों ये आपको पसंद तो जरूर आने वाली है दोस्तों आप लोगों ने सीरीज तो काफ़ी सारी देखी होगी पर कुछ ऐसी सीरीज भी बनाई गई है जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो कि सत्य घटना पर बनाई हुई है आज हम ऐसी एक कमाल की सीरीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और अब तो आप इसे फ्री में भी देख सकते हैं तो चलिए इस कमाल की सीरीज के बारे में बात करते हैं कहाँ पर यह आपको देखने को मिलेंगी साथ ही में इसके थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों ये सीरीज़ बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिएगा इस सीरीज़ का नाम है ताली जिसे 2023 में रिलीज़ कराया गया था और ये पर बनी हुई सीरीज़ है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये सत्य घटना पर आधारित है इसकी रेटिंग बहुत ही शानदार निकल के आई है जो आई बीबी है वहाँ पर दस में से आर्ट की रेटिंग मिली है जो कि वाकई एक बहुत ही बढ़िया रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर एटी फाइव परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया था और इस सीरीज़ के जो डायरेक्टर है वो दोस्तों रवि यादव रहे हैं हालांकि वो एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की फिल्में उन्होंने बना रखी है और हाल ही में इनकी एक मूवी भी दोस्तों आई थी मैं अटल हूँ जो काफ़ी बढ़िया रही इस मूवी को भी लोगों ने खूब प्यार दिया है तो अगर हम ताली सीरीज के बारे में थोड़ी बात करें तो अगर आप इसे अभी हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को दोस्तों हिंदी में एकदम फ्री में देख सकते हैं जियो सिनेमा पे, जियो सिनेमा पे यह आपको एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर ड्रामा भी है और अमित राज का म्यूजिक भी है जो कि एक बेस्ट कॉम्बो बनाता है इस सीरीज को इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और इससे आपको लाइफ में बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस सीरीज की लीड का सुष्मिता सेन है और भी यहाँ पर कास्टिंग है जैसे कि कुर्दिका डीओ अंकुर बाटिया शीतल काले सूरत जोशी विक्रम भाव हेमांगी कवि ऐश्वर्या नरकार हेमंत चौधरी नंदू माधव माया रचेल एम सीमानू ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं खैर यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है इसे आप लोग फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये एक सीरीज़ है और सीरीज़ को कोई सैंसर की जरूरत तो पड़ती नहीं है और ऐसे ये प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई है तो हो सकता है कि आपको इसके अंदर कुछ ख़राब सीन देखने को मिल सकते हैं बहुत सारे ऐसे सीन होंगे जो शायद आपको हैरान कर सकते हैं इसलिए आप इसे अकेले देखिए एक आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है दरअसल इस मूवी की जो कहानी है वो गौरी सावंत ने अपने जीवन में सर्वी संघर्ष जो है पूरा दिखाया है जब वे छोटी थे, उस समय से ही उसकी माँ गुजर जाती है उसके अपने पिता तक भी स्वपूर्ति नहीं होती है जो उन्हें इस दुनिया में लेकर आए हैं उनकी बड़ी बहन ने उन्हें नकारा था जब बाहर गई तो लोगों ने नकारा हर जगह से ठोकरें खानी पड़ी ये तो समय था जब गणेश की आत्मा में गोरी हावी हो रही थी और गणेश की बेबसी गोरी की दहाड़ में तब्दील हो रही थी फिर तो वक्त भी आया जब गणेश ने पूरी तरह से खुद को गौरी में बदलने का ठान लिया था और यह बदलाव एक मामूल बदलाव नहीं था यह बदलाव पूरी दुनिया में बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाने वाला था जो सिद्धियों से नहीं हुआ था वो बोलने वाला था छः एपिसोड की ये सीरीज जो है शॉर्ट रखा गया है और गौरी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण इंसिडेंट को इसमें शामिल किया गया है उनका घर छोड़ना किन्नर जाति में शामिल होना एक माँ के तौर पर खुद को विकसित करना और उन वर्ष को निभाना साथ ही किन्नर समाज के हक के लिए लड़ना ये सारे घटनाक्रम इस वेब सीरीज के अंदर आपको दिखाए गए हैं श्री गौरी जीवन श्री गौरी जी का जो जीवन है तो यहाँ पर गाथा आप देख सकते हैं अपने गम बोल जाएंगे और गौरी दशरथ मांझी थी जिन्होंने खुद घटिया मानसिकता और सड़ जोड़ी सड़ चुके धरणाओं से पहाड़ को अपनी क्रांति की कुल्हाड़ी से काटा और पूरे किन्नर समाज के लिए रास्ता बनाया है इसकी कहानी तो काफ़ी सही है ही साथ ही में जो सुशेदा सहन है वो शायद इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट बैठती है मेरे हिसाब से शायद उनकी जगह पर कोई और होता तो इतनी कमाल की एक्टिंग शायद नहीं कर पाता भलेवु ने बॉलीवुड में अन्य लीडिंग एक्ट्रेस की तुलना में कम तोज्जो मिली है लेकिन जब जब उनके ऊपर कोई डायरेक्टर ने भरोसा किया है तो उन्होंने है डील जरूर जीत लिया है डायरेक्टर का वो निराश बिल्कुल भी नहीं करती है इस बात का एग्जाम्पल आप आर्य सीरीज से भी ले सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है अगर आपने इसे नहीं देखा तो आपने बहुत ही बेहतरीन सीरीज को मिस किया है मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों दो रोज़ाना आप ऐसी बहुत सारी फालतू की मूवीज़ देख लेते हैं इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास ये सीरीज़ है जिसे आप एक बार देख सकते हैं ये आपको निराश तो नहीं कराएंगी पर हाँ ये सीरीज़ दोस्तों आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी बहुत ही अच्छी और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है तो आपको आपके पास अगर समय और टाइम थोड़ा बहुत मिले तो आप इसके एपिसोड बारे बारे देख सकते हैं जो आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे और अब तो ये ब्रीमे भी उपलब्ध है क्योंकि दोस्तों हमें उन्हें जो चीज़ों है हम जो देखते हैं उसे सीखते हैं अगर कोई आकर आपको कुछ बताएगा यही स्टोरी आपको कोई बताएगा तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा मगर यही स्टोरी आप देखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ समझ आ जाएगा हालांकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप इसे अपने जीवन में ज़रूर गा सकते हैं क्योंकि एक अकेला आदमी दोस्तों बहुत कुछ बदल सकता है ये बात यहाँ पर सच साबित होने वाली है तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो इस सीरीज़ को आप लोग एक बार तो जरूर देखिए दोस्तों ये आपको पसंद तो जरूर आने वाली है दोस्तों आप लोगों ने सीरीज तो काफ़ी सारी देखी होगी पर कुछ ऐसी सीरीज भी बनाई गई है जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो कि सत्य घटना पर बनाई हुई है आज हम ऐसी एक कमाल की सीरीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और अब तो आप इसे फ्री में भी देख सकते हैं तो चलिए इस कमाल की सीरीज के बारे में बात करते हैं कहा पर यह आपको देखने को मिलेंगी साथ ही में इसके थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों ये सीरीज बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग एक बार तो जरूर देखिएगा इस सीरीज का नाम है ताली जिसे 2023 में रिलीज कराया गया था और ये पर बनी हुई सीरीज है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सत्य तिघटना पर आधारित है इसकी रेटिंग बहुत ही शानदार निकल के आई है जो आई है वहाँ पर दस में से आठ की रेटिंग मिली है जो कि वाकई ही एक बहुत ही बढ़िया रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर एटी फाइव परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया था और इस सीरीज़ के जो डायरेक्टर है वो दोस्तों रवि यादव रहे हैं हालांकि वो एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की फिल्में उन्होंने बना रखी है और हाल ही में इनकी एक मूवी भी दोस्तों आई थी मैं अटल हूँ जो काफ़ी बढ़िया रही इस मूवी को भी लोगों ने खूब प्यार दिया है तो अगर हम ताली सीरीज के बारे में थोड़ी बात करें तो अगर आप इसे अभी हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को दोस्तों हिंदी में एकदम फ्री में देख सकते हैं जियो सिनेमा पे जियो सिनेमा पे यह आपको एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर ड्रामा भी है और अमित राज का म्यूजिक भी है जो कि एक बेस्ट कॉम्बो बनाता है इस सीरीज को इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और इससे आपको लाइफ में बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस सीरीज की लीड का सुष्मिता सेन है और भी यहाँ पर कास्टिंग है जैसे कि कुर्दिका डीओ अंकुर भाटिया, शीतल काले सूरत जोशी विक्रम भाव हेमांगी कवि ऐश्वर्या नरकार हेमंत चौधरी नंदू माधव माया रचेल एम सीमानू से ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं ख़ैर यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है इसे आप लोग फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये एक सीरीज़ है और सीरीज़ को कोई सेंसर की जरूरत तो पड़ती नहीं है और ऐसे ये प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है तो हो सकता है कि आपको इसके अंदर कुछ ख़राब सीन देखने को मिल सकते हैं बहुत सारे ऐसे सीन होंगे जो शायद आपको हैरान कर सकते हैं इसलिए आप इसे अकेली देखिए आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है दरअसल इस मूवी की जो कहानी है वो गौरी सावंत ने अपने जीवन में सर्वी संघर्ष जो है उन्हें दिखाया है जब वे छोटे थे उस समय से ही उसकी माँ गुजर जाती है उसके अपने पिता तक भी स्वपूर्ति नहीं होती है जो उन्हें इस दुनिया में लेकर आए हैं उनकी बड़ी बहन ने उन्हें नकारा था जब बाहर गई तो लोगों ने नकारा हर जगह से ठोकरें खानी पड़ी ये तो समय था जब गणेश की आत्मा में गोरी हावी हो रही थी और गणेश की बेबसी गौरी की दहाड़ में तब्दील हो रही थी फिर तो वक्त भी आया जब गणेश ने पूरी तरह से खुद को गौरी में बदलने का ठान लिया था और यह बदलाव एक मामूल बदलाव नहीं था यह बदलाव पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाने वाला था जो सिद्धु से नहीं हुआ था वो भी वाला था एपिसोड की ये सीरीज जो है स्वाट रखा गया है और गौरी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण इंसिडेंट को इसमें शामिल किया गया है उनका घर छोड़ना किन्नर जाति में शामिल होना एक माँ के तौर पर खुद को विकसित करना और उन वर्ष को निभाना साथ ही किन्नर समाज के हक के लिए लड़ना ये सारे घटनाक्रम इस वेब सीरीज के अंदर आपको दिखाया गया है श्री गौरी जीवन श्री गौरी जी का जो जीवन है वो यहाँ पर गाथा आप देख सकते हैं अपने गम भूल जाएंगे और गौरी दशरथ मांझी थी जिन्होंने खुद घटिया मानसिकता और सड़ जोड़ी सड़के धरनाओं से पहाड़ को अपनी क्रांति की कुल्हाड़ी से काटा और पूरे किन्नर समाज के लिए रास्ता बनाया है इसकी कहानी तो काफ़ी सही है ही साथ ही में जो सुशेदा सहन है वो शायद इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट बैठती है मेरे हिसाब से शायद उनकी जगह पर कोई और होता तो इतनी कमाल की एक्टिंग शायद नहीं कर पाता बालीवुड ने बॉलीवुड में अन्य लीडिंग एक्ट्रेस की तुलना में कम तोज्जो मिली है लेकिन जब जब उनके ऊपर कोई डायरेक्टर ने भरोसा किया है तो उन्होंने है दिल ज़रूर जीत लिया है डायरेक्टर का वो निराश बिल्कुल भी नहीं करती है इस बात का एग्जाम्पल आप आर्य सीरीज से भी ले सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है अगर आपने इसे नहीं देखा तो आपने बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ को मिस किया है मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों दो रोज़ाना आप ऐसी बहुत सारी फालतू की मूवीज़ देख लेते हैं इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास ये सीरीज़ है जिसे आप एक बार देख सकते हैं ये आपको निराश तो नहीं कराएंगी पर हाँ ये सीरीज़ दोस्तों आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी बहुत ही अच्छी और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है तो आपको आपके पास अगर समय और टाइम थोड़ा बहुत मिले तो आप इसके एपिसोड बारे बारे देख सकते हैं जो आपको जरूर अच्छे लगेंगे और अब तो ये ब्रीमे भी उपलब्ध है क्योंकि दोस्तों हमें उन्हें जो चीज़ है हम जो देखते हैं उसे सीखते हैं अगर कोई आकर आपको कुछ बताएगा यही स्टोरी आपको कोई बताएगा तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा मगर यही स्टोरी आप देखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ समझ आ जाएगा हालांकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप इसे अपने जीवन में ज़रूर उतार सकते हैं क्योंकि एक अकेला आदमी दोस्तों बहुत कुछ बदल सकता है ये बात यहाँ पर सच साबित होने वाली है तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो इस सीरीज़ को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए दोस्तों ये आपको पसंद तो जरूर आने वाली है दोस्तों आप लोगों ने सीरीज़ तो काफ़ी सारी देखी होगी पर कुछ ऐसी सीरीज भी बनाई गई है जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो कि सत्य घटना पर बनाई हुई है आज हम ऐसी एक कमाल की सीरीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगी और अब तो आप इसे फ्री में भी देख सकते हैं तो चलिए इस कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करते हैं कहाँ पर यह आपको देखने को मिलेंगी साथ ही में इसके थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों ये सीरीज़ बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिएगा इस सीरीज़ का नाम है ताली जिसे 2023 में रिलीज़ कराया गया था और ये पर बनी हुई सीरीज है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सत्य तिघटना पर आधारित है इसकी रेटिंग बहुत ही शानदार निकल के आई है जो आई डीबी है वहाँ पर दस में से आठ की रेटिंग मिली है जो कि वाकई ही एक बहुत ही बढ़िया रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर एटी फाइव परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया था और इस सीरीज़ की जो डायरेक्टर है वो दोस्तों रवि यादव रहे हैं हालांकि वो एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की फिल्में उन्होंने बना रखी है और हाल ही में इनकी एक मूवी भी दोस्तों आई थी मैं अटल हूँ जो काफ़ी बढ़िया रही इस मूवी को भी लोगों ने खूब प्यार दिया है तो अगर हम ताली सीरीज के बारे में थोड़ी बात करें तो अगर आप इसे अभी हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ को दोस्तों हिंदी में एकदम फ्री में देख सकते हैं जियो सिनेमा पे। जियो सिनेमा पे यह आपको एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर ड्रामा भी है और अमित राज का म्यूजिक भी है जो कि एक बेस्ट कॉम्बो बनाता है इस सीरीज को इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और इससे आपको लाइफ में बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस सीरीज की लीड का सुष्मिता सेन है और भी यहाँ पर कास्टिंग है जैसे कि कुर्दिका डीओ अंकुर बाड़िया, शीतल काले सूरत जोशी विक्रम भाव हेमांगी कवि ऐश्वर्या नरकार हेमंत चौधरी माधव माया रचेल एम सी मानू ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं ख़ैर यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है इसे आप लोग फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये एक सीरीज़ है और सीरीज़ को कोई सेंसर की जरूरत तो पड़ती नहीं है और ऐसे ये प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है तो हो सकता है कि आपको इसके अंदर कुछ ख़राब सीन देखने को मिल सकते हैं बहुत सारे ऐसे सीन होंगे जो शायद आपको हैरान कर सकते हैं इसलिए आप इसे अकेले देखिए एक आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है दरअसल इस मूवी की जो कहानी है वो गौरी सावंत ने अपने जीवन में सर्वी संघर्ष जो है उन्हें दिखाया है जब वे छोटी थे उस समय से ही उसकी माँ गुजर जाती है उसकी अपने पिता तक भी स्वपूर्ति नहीं होती है जो उन्हें इस दुनिया में लेकर आए हैं उनकी बड़ी बहन ने उन्हें नकारा था जब बाहर गई तो लोगों ने नकारा हर जगह से ठोकरें खानी पड़ी ये तो समय था जब गणेश की आत्मा में गोरी हावी हो रही थी और गणेश की बेबसी गौरी की दहाड़ में तब्दील हो रही थी फिर तो वक्त भी आया जब गणेश ने पूरी तरह से खुद को गौरी में बदलने का ठान लिया था और यह बदलाव एक मामुल बदलाव नहीं था यह बदलाव पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाने वाला था जो सीढ़ी से नहीं हुआ था वो बोलने वाला था एपिसोड की ये सीरीज जो है वो श्वाट रखा गया है और गौरी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण इंसिडेंट को इसमें शामिल किया गया है उनका घर छोड़ना किन्नर जाति में शामिल होना एक माँ के तौर पर खुद को विकसित करना और उन भरस को निभाना साथ ही किन्नर समाज के हक के लिए लड़ना ये सारे घटनाक्रम इस वेब सीरीज के अंदर आपको दिखाया गया है श्री गौरी जीवन श्री गौरी जी का जो जीवन है वो यहाँ पर गाथा आप देख सकते हैं अपने गम बोल जाएंगे और गौरी दशरथ मांझी थी जिन्होंने खुद घटिया मानसिकता और सड़ जोड़ी सड़ चुकी धरणाओं से पहाड़ को अपनी क्रांति की कुल्हाड़ी से काटा और पूरे किन्नर समाज के लिए रास्ता बनाया है इसकी कहानी तो काफी सही है ही साथ ही में जो सुशेदा सैन है वो शायद इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट बैठती है मेरे हिसाब से शायद उनकी जगह पर कोई और होता तो इतनी कमाल की एक्टिंग शायद नहीं कर पाता भले उन्हें बॉलीवुड में अन्य लीडिंग एक्ट्रेस की तुलना में कम तोज्जो मिली है लेकिन जब जब उनके ऊपर कोई डायरेक्टर ने भरोसा किया है तो उन्होंने है दिल जरूर जीत लिया है डायरेक्टर का वो निराश बिल्कुल भी नहीं करती है इस बात का एग्ज़ाम्पल आप आर्य सीरीज से भी ले सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है अगर आपने इसे नहीं देखा तो आपने बहुत ही बेहतरीन सीरीज को मिस किया है मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों रोज़ाना आप ऐसी बहुत सारी फालतू की मूवीज़ देख लेते हैं इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास ये सीरीज़ है जिसे आप एक बार देख सकते हैं ये आपको निराश तो नहीं कराएंगी पर हाँ ये सीरीज़ दोस्तों आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी बहुत ही अच्छी और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है तो आपको आपके पास अगर समय और टाइम थोड़ा बहुत मिले तो आप इसके एपिसोड बारे बारे देख सकते हैं जो आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे और अब तो ये ब्री में भी उपलब्ध है क्योंकि दोस्तों हमें उन्हें जो चीज़ है हम जो देखते हैं उसे सीखते हैं अगर कोई आकर आपको कुछ बताएगा यही स्टोरी आपको कोई बताएगा तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा मगर यही स्टोरी आप देखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ समझ आ जाएगा हालांकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप इसे अपने जीवन में ज़रूर गा सकते हैं क्योंकि एक अकेला आदमी दोस्तों बहुत कुछ बदल सकता है ये बात यहाँ पर सच साबित होने वाली है तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो इस सीरीज़ को आप लोग एक बार तो जरूर देखिए दोस्तों ये आपको पसंद तो जरूर आने वाली है दोस्तों आप लोगों ने सीरीज तो काफ़ी सारी देखी होगी पर कुछ ऐसी सीरीज भी बनाई गई है जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो कि सत्य घटना पर बनाई हुई है आज मैं ऐसी कमाल की सीरीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और अब तो आप इसे फ्री में भी देख सकते हैं तो चलिए इस कमाल की सीरीज के बारे में बात करते हैं कहा पर यह आपको देखने को मिलेंगी साथ ही में इसके थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों ये सीरीज बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग एक बार तो जरूर देखिएगा इस सीरीज का नाम है ताली जिसे 2023 में रिलीज कराया गया था और ये पर बनी हुई सीरीज है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सत्य तिघटना पर आधारित है इसकी रेटिंग बहुत ही शानदार निकल के आई है जो आयु डिबी है वहाँ पर दस में से आर्ट की रेटिंग मिली है जो कि वाकई ही एक बहुत ही बढ़िया रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर एटी फाइव परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया था और इस सीरीज़ के जो डायरेक्टर है वो दोस्तों रवि यादव रहे हैं हालांकि वो एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की फिल्में उन्होंने बना रखी है और हाल ही में इनकी एक मूवी भी दोस्तों आई थी मैं अटल हूँ जो काफ़ी बढ़िया रही इस मूवी को भी लोगों ने खूब प्यार दिया है तो अगर हम ताली सीरीज के बारे में थोड़ी बात करें तो अगर आप इसे अभी हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को दोस्तों हिंदी में एकदम फ्री में देख सकते हैं जियो सिनेमा पे जियो सिनेमा पे यह आपको एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर ड्रामा भी है और अमित राज का म्यूजिक भी है जो कि एक बेस्ट कॉम्बो बनाता है इस सीरीज को इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और इससे आपको लाइफ में बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस सीरीज़ की का सुष्मिता सेन है और भी यहाँ पर कास्टिंग है जैसे कि कुर्दिका का डीओ, अंकुर भाटिया, शीतल काले सूरत जोशी विक्रम भाव हेमांगी कवि ऐश्वर्या नरकार हेमंत चौधरी नंदू माधव माया रचेल एम सीमानू से ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं खैर यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है इसे आप लोग फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये एक सीरीज़ है और सीरीज़ को कोई सेंसर की जरूरत तो पड़ती नहीं है और ऐसे ये प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है तो हो सकता है कि आपको इसके अंदर कुछ ख़राब सीन देखने को मिल सकते हैं बहुत सारे ऐसे सीन होंगे तो शायद आपको हैरान कर सकते हैं इसलिए आप इसे अकेले देखिए एक आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है दरअसल इस मूवी की जो कहानी है वो गौरी सावंत ने अपने जीवन में सरवी संघर्ष जो है पूरा दिखाया है जब वे छोटे थे उस समय से ही उसकी माँ गुजर जाती है उसके अपने पिता तक भी स्वपुर नहीं होती है जो उन्हें इस दुनिया में लेकर आए हैं उनकी बड़ी बहन ने उन्हें नकारा था जब बाहर गई तो लोगों ने नकारा हर जगह से ठोकरें खानी पड़ी ये तो समय था जब गणेश की आत्मा में गोरी हावी हो रही थी और गणेश की बेबसी गोरी की दहाड़ में तब्दील हो रही थी फिर तो वक्त भी आया जब गणेश ने पूरी तरह से खुद को गौरी में बदलने का ठान लिया था और यह बदलाव एक मामूली बदलाव नहीं था यह बदलाव पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाने वाला था जो सिद्धियों से नहीं हुआ था वो बोलने वाला था छह एपिसोड की ये सीरीज जो है शॉर्ट रखा गया है और गौरी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण इंसिडेंट को इसमें शामिल किया गया है उनका घर छोड़ना किन्नर जाति में शामिल होना एक माँ के तौर पर खुद को विकसित करना और उन वर्ष को निभाना साथ ही किन्नर समाज के हक के लिए लड़ना ये सारे घटनाक्रम इस वेब सीरीज के अंदर आपको दिखाए गए हैं श्री गौरी जीवन श्री गौरी जी का जो जीवन है तो यहाँ पर गाथा आप देख सकते हैं अपने गम बोल जाएंगे और गौरी दशरथ मांझी थी जिन्होंने खुद घटिया मानसिकता और सड़ जोड़ी सड़ चुके धरणाओं से पहाड़ को अपनी क्रांति की कुल्हाड़ी से काटा और पूरे किन्नर समाज के लिए रास्ता बनाया है इसकी कहानी तो काफ़ी सही है ही साथ ही में जो सुशेदा सहन है वो शायद इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट बैठती है मेरे हिसाब से शायद उनकी जगह पर कोई और होता तो इतनी कमाल की एक्टिंग शायद नहीं कर पाता भले उन्हें बॉलीवुड में अन्य लीडिंग एक्ट्रेस की तुलना में कम तोज्जो मिली है लेकिन जब जब उनके ऊपर कोई डायरेक्टर ने भरोसा किया है तो उन्होंने है दिल जरूर जीत लिया है डायरेक्टर का वो निराश बिल्कुल भी नहीं करती है इस बात का एग्जाम्पल आप आर्य सीरीज से भी ले सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है अगर आपने इसे नहीं देखा तो आपने बहुत ही बेहतरीन सीरीज को मिस किया है मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों रोजाना आप ऐसी बहुत सारी फालतू की मूवीज़ देख लेते हैं इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास ये सीरीज़ है जिसे आप एक बार देख सकते हैं ये आपको निराश तो नहीं कराएँगे पर हाँ ये सीरीज़ दोस्तों आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी बहुत ही अच्छी और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है तो आपको आपके पास अगर समय और टाइम थोड़ा बहुत मिले तो आप इसके एपिसोड बारे बारे देख सकते हैं जो आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे और अब तो ये में भी उपलब्ध है क्योंकि दोस्तों हमें उन्हें जो चीज़ है हम जो देखते हैं उसे सीखते हैं अगर कोई आकर आपको कुछ बताएगा यही स्टोरी आपको कोई बताएगा तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा मगर यही स्टोरी आप देखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ समझ आ जाएगा हालांकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप इसे अपने जीवन में ज़रूर उगा सकते हैं क्योंकि एक अकेला आदमी दोस्तों बहुत कुछ बदल सकता है ये बात यहाँ पर सच साबित होने वाली है तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो इस सीरीज़ को आप लोग एक बार तो जरूर देखिए दोस्तों ये आपको पसंद तो जरूर आने वाली है दोस्तों आप लोगों ने सीरीज तो काफ़ी सारी देखी होगी पर कुछ ऐसी सीरीज भी बनाई गई है जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो कि सत्य घटना पर बनाई हुई है आज हम ऐसी एक कमाल की सीरीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और अब तो आप इसे फ्री में भी देख सकते हैं तो चलिए इस कमाल की सीरीज के बारे में बात करते हैं कहा पर यह आपको देखने को मिलेंगी साथ ही में इसके थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों सीरीज बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग एक बार तो जरूर देखिएगा इस सीरीज का नाम है ताली जिसे 2023 में रिलीज कराया गया था और ये पर बनी हुई सीरीज है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सत्य तिगटना पर आधारित है इसकी रेटिंग बहुत ही शानदार निकल के आई है जो आई है वहाँ पर दस में से आठ की रेटिंग मिली है जो कि वाकई ही एक बहुत ही बढ़िया रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर एटी फाइव परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया था और इस सीरीज़ की जो डायरेक्टर है वो दोस्तों रवि यादव रहे हैं हालांकि वो एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की फिल्में उन्होंने बना रखी है और हाल ही में इनकी एक मूवी भी दोस्तों आई थी मैं अटल हूँ जो काफ़ी बढ़िया रही इस मूवी को भी लोगों ने खूब प्यार दिया है तो अगर हम ताली सीरीज के बारे में थोड़ी बात करें तो अगर आप इसे अभी हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ को दोस्तों हिंदी में एकदम फ्री में देख सकते हैं जियो सिनेमा पे। जियो सिनेमा पे यह आपको एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर ड्रामा भी है और अमित राज का म्यूजिक भी है जो कि एक बेस्ट कॉम्बो बनाता है इस सीरीज को इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और इससे आपको लाइफ में बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस सीरीज की का सुष्मिता सेन है और भी यहाँ पर कास्टिंग है जैसे कि का डीओ अंकुर भाटिया, शीतल काले सूरत जोशी विक्रम भाव हेमांगी कवि ऐश्वर्या नरकार हेमंत चौधरी नंदू माधव माया रचेल एम सीमानू ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं ख़ैर यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है इसे आप लोग फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये एक सीरीज़ है और सीरीज़ को कोई सेंसर की जरूरत तो पड़ती नहीं है और ऐसे ये प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है तो हो सकता है कि आपको इसके अंदर कुछ ख़राब सीन देखने को मिल सकते हैं बहुत सारे ऐसे सीन होंगे शायद आपको आयरन कर सकते हैं इसलिए आप इसे अकेले देखिए आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है दरअसल इस मूवी की जो कहानी है वो गौरी सावंत ने अपने जीवन में सर्वी संघर्ष जो है उन्हें दिखाया है जब वे छोटी थे, उस समय से ही उसकी माँ गुजर जाती है उसके अपने पिता तक भी स्वपूर्ति नहीं होती है जो उन्हें इस दुनिया में लेकर आए हैं उनकी बड़ी बहन ने उन्हें नकारा था जब बाहर गई तो लोगों ने नकारा हर जगह से ठोकरें खानी पड़ी ये तो समय था जब गणेश की आत्मा में गोरी हावी हो रही थी और गणेश की बेबसी गौरी की तहाड़ में तब्दील हो रही थी फिर तो वक्त भी आया जब गणेश ने पूरी तरह से खुद को गौरी में बदलने का ठान लिया था और यह बदलाव एक मामूली बदलाव नहीं था यह बदलाव पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाने वाला था जो सीढ़ी से नहीं हुआ था वो बोलने वाला था छः एपिसोड की ये सीरीज जो है वो श्वाट रखा गया है और गौरी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण इंसिडेंट को इसमें शामिल किया गया है उनका घर छोड़ना किन्नर जाति में शामिल होना एक माँ के तौर पर खुद को विकसित करना और उन वर्ष को निभाना साथ ही किन्नर समाज के हक के लिए लड़ना ये सारे घटनाक्रम इस वेब सीरीज के अंदर आपको दिखाए गए हैं श्री गौरी जीवन श्री गौरी जी का जो जीवन है वो यहाँ पर गाथा आप देख सकते हैं अपने गम भूल जाएंगे और गौरी दशरथ मांझी थी जिन्होंने खुद घटिया मानसिकता और सड़ जोड़ी सड़ चुकी धरणाओं से पहाड़ को अपनी क्रांति की कुल्हाड़ी से काटा और पूरे किन्नर समाज के लिए रास्ता बनाया है इसकी कहानी तो काफी सही है ही साथ ही में जो सुशेदा सैन है वो शायद इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट बैठती है मेरे हिसाब से शायद उनकी जगह पर कोई और होता तो इतनी कमाल की एक्टिंग शायद नहीं कर पाता बालीवुड ने बॉलीवुड में अन्य लीडिंग एक्ट्रेस की तुलना में कम तोज्जो मिली है लेकिन जब जब उनके ऊपर कोई डायरेक्टर ने भरोसा किया है तो उन्होंने है दिल जरूर जीत लिया है डायरेक्टर का वो निराश बिल्कुल भी नहीं करती है इस बात का एग्ज़ाम्पल आप आर्य सीरीज से भी ले सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है अगर आपने इसे नहीं देखा तो आपने बहुत ही बेहतरीन सीरीज को मिस किया है मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों दो रोज़ाना आप ऐसी बहुत सारी फालतू की मूवीज़ देख लेते हैं इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास ये सीरीज़ है जिसे आप एक बार देख सकते हैं ये आपको निराश तो नहीं कराएंगी पर हाँ ये सीरीज़ दोस्तों आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी बहुत ही अच्छी और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है तो आपको आपके पास अगर समय और टाइम थोड़ा बहुत मिले तो आप इसके एपिसोड बारे बारे देख सकते हैं जो आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे और अब तो ये ब्री में भी उपलब्ध है क्योंकि दोस्तों हमें उन्हीं जो चीज़ है हम जो देखते हैं उसे सीखते हैं अगर कोई आकर आपको कुछ बताएगा यही स्टोरी आपको कोई बताएगा तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा मगर यही स्टोरी आप देखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ समझ आ जाएगा हालांकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप इसे अपने जीवन में ज़रूर गा सकते हैं क्योंकि एक अकेला आदमी दोस्तों बहुत कुछ बदल सकता है ये बात यहाँ पर सच साबित होने वाली है तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो इस सीरीज़ को आप लोग एक बार तो जरूर देखिए दोस्तों ये आपको पसंद तो जरूर आने वाली है दोस्तों आप लोगों ने सीरीज तो काफ़ी सारी देखी होगी पर कुछ ऐसी सीरीज भी बनाई गई है जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो कि सत्य घटना पर बनाई हुई है आज हम ऐसी एक कमाल की सीरीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और अब तो आप इसे फ्री में भी देख सकते हैं तो चलिए इस कमाल की सीरीज के बारे में बात करते हैं कहाँ पर यह आपको देखने को मिलेंगी साथ ही में इसके थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों ये सीरीज़ बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिएगा इस सीरीज़ का नाम है ताली जिसे 2023 में रिलीज़ कराया गया था और ये पर बनी हुई सीरीज़ है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सत्य तिघना पर आधारित है इसकी रेटिंग बहुत ही शानदार निकल के आई है जो आई है वहाँ पर दस में से आठ की रेटिंग मिली है जो कि वाकई ही एक बहुत ही बढ़िया रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर एटी फाइव परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया था और इस सीरीज़ की जो डायरेक्टर है वो दोस्तों रवि यादव रहे हैं हालांकि वो एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की फिल्में उन्होंने बना रखी है और हाल ही में इनकी एक मूवी भी दोस्तों आई थी मैं अटल हूँ जो काफ़ी बढ़िया रही इस मूवी को भी लोगों ने खूब प्यार दिया है तो अगर हम ताली सीरीज के बारे में थोड़ी बात करें तो अगर आप इसे अभी हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को दोस्तों हिंदी में एकदम फ्री में देख सकते हैं जियो सिनेमा पे। जियो सिनेमा पे यह आपको एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर ड्रामा भी है और अमित राज का म्यूजिक भी है जो कि एक बेस्ट कॉम्बो बनाता है इस सीरीज को इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और इससे आपको लाइफ में बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस सीरीज की का सुष्मिता सेन है और भी यहाँ पर कास्टिंग है जैसे कि कुर्दिका डीओ अंकुर बाटिया शीतल काले सूरत जोशी विक्रम भाव हेमांगी कवि ऐश्वर्या नरकार हेमंत चौधरी नंदू माधव माया रचेल एम सीमानूस ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं खैर यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है इसे आप लोग फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये एक सीरीज़ है और सीरीज़ को कोई सैंसर की जरूरत तो पड़ती नहीं है और ऐसे ये प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई है तो हो सकता है कि आपको इसके अंदर कुछ ख़राब सीन देखने को मिल सकते हैं बहुत सारे ऐसे सीन होंगे जो शायद आपको हैरान कर सकते हैं इसलिए आप इसे अकेले देखिए एक आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है दरअसल इस मूवी की जो कहानी है वो गौरी सावंत ने अपने जीवन में सर्वी संघर्ष जो है पूरा दिखाया है जब वे छोटे थे उस समय से ही उसकी माँ गुजर जाती है उसके अपने पिता तक भी स्वपूर्ति नहीं होती है जो उन्हें इस दुनिया में लेकर आए हैं उनकी बड़ी बहन ने उन्हें नकारा था जब बाहर गई तो लोगों ने नकारा हर जगह से ठोकरें खानी पड़ी ये तो समय था जब गणेश की आत्मा में गोरी हावी हो रही थी और गणेश की बेबसी गौरी की दहाड़ में तब्दील हो रही थी फिर तो वक्त भी आया जब गणेश ने पूरी तरह से खुद को गौरी में बदलने का ठान लिया था और यह बदलाव एक मामुल बदलाव नहीं था ये बदलाव पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाने वाला था जो सिद्धियों से नहीं हुआ था वो भी वाला था छः एपिसोड की ये सीरीज जो है शॉर्ट रखा गया है और गौरी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण इंसिडेंट को इसमें शामिल किया गया है उनका घर छोड़ना किन्नर जाति में शामिल होना एक माँ के तौर पर खुद को विकसित करना और उन वर्ष को निभाना साथ ही किन्नर समाज के हक के लिए लड़ना ये सारे घटनाक्रम इस वेब सीरीज के अंदर आपको दिखाए गए हैं श्री गौरी जीवन श्री गौरी जी का जो जीवन है तो यहाँ पर गाथा आप देख सकते हैं अपने गम बोल जाएंगे और गौरी दशरथ मांझी थी जिन्होंने खुद घटिया मानसिकता और सड़ जोड़ी सड़ चुके धरणाओं से पहाड़ को अपनी क्रांति की कुल्हाड़ी से काटा और पूरे किन्नर समाज के लिए रास्ता बनाया इसकी कहानी तो काफ़ी सही है ही साथ ही में जो सुशा सहन है वो शायद इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट बैठती है मेरे हिसाब से शायद उनकी जगह पर कोई और होता तो इतनी कमाल की एक्टिंग शायद नहीं कर पाता भले उन्हें बॉलीवुड में अन्य लीडिंग एक्ट्रेस की तुलना में कम तोज्जो मिली है लेकिन जब जब उनके ऊपर कोई डायरेक्टर ने भरोसा किया है तो उन्होंने है डील जरूर जीत लिया है डायरेक्टर का वो निराश बिल्कुल भी नहीं करती है इस बात का एग्जाम्पल आप आर्य सीरीज से भी ले सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है अगर आपने इसे नहीं देखा तो आपने बहुत ही बेहतरीन सीरीज को मिस किया है मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों दो रोज़ाना आप ऐसी बहुत सारी फालतू की मूवीज़ देख लेते हैं इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास ये सीरीज़ है जिसे आप एक बार देख सकते हैं ये आपको निराश तो नहीं कराएंगी पर हाँ ये सीरीज़ दोस्तों आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी बहुत ही अच्छी और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है तो आपको आपके पास अगर समय और टाइम थोड़ा बहुत मिले तो आप इसके अच्छे एपिसोड बारे बारे देख सकते हैं जो आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे और अब तो ये ब्रीमे भी उपलब्ध है क्योंकि दोस्तों हमें उन्हें जो चीज़ों है हम जो देखते हैं उसे सीखते हैं अगर कोई आकर आपको कुछ बताएगा यही स्टोरी आपको कोई बताएगा तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा मगर यही स्टोरी आप देखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ समझ आ जाएगा हालांकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप इसे अपने जीवन में ज़रूर गा सकते हैं क्योंकि एक अकेला आदमी दोस्तों बहुत कुछ बदल सकता है ये बात यहाँ पर सच साबित होने वाली है तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो इस सीरीज़ को आप लोग एक बार तो जरूर देखिए दोस्तों ये आपको पसंद तो जरूर आने वाली है दोस्तों आप लोगों ने सीरीज तो काफ़ी सारी देखी होगी पर कुछ ऐसी सीरीज भी बनाई गई है जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो कि सत्य घटना पर बनाई हुई है आज हम ऐसी एक कमाल की सीरीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और अब तो आप इसे फ्री में भी देख सकते हैं तो चलिए इस कमाल की सीरीज के बारे में बात करते हैं कहावरी आपको देखने को मिलेंगी साथ ही में इसके थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों सीरीज बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग एक बार तो जरूर देखिएगा इस सीरीज का नाम है ताली जिसे 2023 में रिलीज कराया गया था और ये पर बनी हुई सीरीज है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये सत्य घटना पर आधारित है इसकी रेटिंग बहुत ही शानदार निकल के आई है जो आई डीबी है वहाँ पर दस में से आठ की रेटिंग मिली है जो कि वाकई ही एक बहुत ही बढ़िया रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर एटी फाइव परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया था और इस सीरीज़ की जो डायरेक्टर है वो दोस्तों रवि यादव रहे हैं हालांकि वो एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की फिल्में उन्होंने बना रखी है और हाल ही में इनकी एक मूवी भी दोस्तों आई थी मैं अटल हूँ जो काफ़ी बढ़िया रही इस मूवी को भी लोगों ने खूब प्यार दिया है तो अगर हम ताली सीरीज के बारे में थोड़ी बात करें तो अगर आप इसे अभी हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ को दोस्तों हिंदी में एकदम फ्री में देख सकते हैं जियो सिनेमा पे, जियो सिनेमा पे यह आपको एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर ड्रामा भी है और अमित राज का म्यूजिक भी है जो कि एक बेस्ट कॉम्बो बनाता है इस सीरीज को इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और इससे आपको लाइफ में बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस सीरीज की का सुष्मिता सेन है और भी यहाँ पर कास्टिंग है जैसे कि का डीओ अंकुर बाटिया शीतल काले सूरत जोशी विक्रम भाव हेमांगी कवि ऐश्वर्या नरकार हेमंत चौधरी नंदू माधव माया रचेल एम सीमानू ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं खैर यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है इसे आप लोग फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये एक सीरीज़ है और सीरीज़ को कोई सैंसर की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है और ऐसे ये प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है तो हो सकता है कि आपको इसके अंदर कुछ ख़राब सीन देखने को मिल सकते हैं बहुत सारे ऐसे सीन होंगे जो शायद आपको हैरान कर सकते हैं इसलिए आप इसे अकेली देखिए एक आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है दरअसल इस मूवी की जो कहानी है वो गौरी सावंत ने अपने जीवन में सर्वी संघर्ष जो है उन्हें दिखाया है जब वे छोटे थे उस समय से ही उसकी माँ गुजर जाती है उसके अपने पिता तक भी स्वपूर्ति नहीं होती है जो उन्हें इस दुनिया में लेकर आए हैं उनकी बड़ी बहन ने उन्हें नकारा था जब बाहर गई तो लोगों ने नकारा हर जगह से ठोकरें खानी पड़ी ये तो समय था जब गणेश की आत्मा में गोरी हावी हो रही थी और गणेश की बेबसी गौरी की तहाड़ में तब्दील हो रही थी फिर तो वक्त भी आया जब गणेश ने पूरी तरह से खुद को गौरी में बदलने का ठान लिया था और यह बदलाव एक मामूल बदलाव नहीं था यह बदलाव पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाने वाला था जो सिद्धू से नहीं हुआ था वो बोलने वाला था छः एपिसोड की ये सीरीज जो है स्वाट रखा गया है और गौरी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण इंसिडेंट को इसमें शामिल किया गया है उनका घर छोड़ना किन्नर जाति में शामिल होना एक माँ के तौर पर खुद को विकसित करना और उन वर्ष को निभाना साथ ही किन्नर समाज के हक के लिए लड़ना ये सारे घटनाक्रम इस वेब सीरीज के अंदर आपको दिखाया गया है श्री गौरी जीवन श्री गौरी जी का जो जीवन है वो यहाँ पर गाथा आप देख सकते हैं अपने गम भूल जाएंगे और गौरी दशरथ मांझी थी जिन्होंने खुद घटिया मानसिकता और सड़ जोड़ी सड़जी धरनाओं से पहाड़ को अपनी क्रांति की कुल्हाड़ी से काटा और पूरे किन्नर समाज के लिए रास्ता बनाया है इसकी कहानी तो काफ़ी सही है ही साथ ही में जो सुशेदा सहन है वो शायद इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट बैठती है मेरे हिसाब से शायद उनकी जगह पर कोई और होता तो इतनी कमाल की एक्टिंग शायद नहीं कर पाता बालीवुड ने बॉलीवुड में अन्य लीडिंग एक्ट्रेस की तुलना में कम तोजो मिली है लेकिन जब जब उनके ऊपर कोई डायरेक्टर ने भरोसा किया है तो उन्होंने है डील ज़रूर जीत लिया है डायरेक्टर का वो निराश बिल्कुल भी नहीं करती है इस बात का एग्जाम्पल आप आर्य सीरीज से भी ले सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है अगर आपने इसे नहीं देखा तो आपने बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ को मिस किया है मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों दो रोज़ाना आप ऐसी बहुत सारी फालतू की मूवीज़ देख लेते हैं इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास ये सीरीज़ है जिसे आप एक बार देख सकते हैं ये आपको निराश तो नहीं कराएंगी पर हाँ ये सीरीज़ दोस्तों आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी बहुत ही अच्छी और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है तो आपको आपके पास अगर समय और टाइम थोड़ा बहुत मिले तो आप इसके एपिसोड बारे बारे देख सकते हैं जो आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे और अब तो ये ब्री में भी उपलब्ध है क्योंकि दोस्तों हमें उन्हें जो चीज़ है हम जो देखते हैं उसे सीखते हैं अगर कोई आकर आपको कुछ बताएगा यही स्टोरी आपको कोई बताएगा तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा मगर यही स्टोरी आप देखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ समझ आ जाएगा हालांकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप इसे अपने जीवन में ज़रूर उतार सकते हैं क्योंकि एक अकेला आदमी दोस्तों बहुत कुछ बदल सकता है ये बात यहाँ पर सच साबित होने वाली है तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो इस सीरीज़ को आप लोग एक बार तो जरूर देखिए दोस्तों ये आपको पसंद तो जरूर आने वाली है दोस्तों आप लोगों ने सीरीज तो काफ़ी सारी देखी होगी पर कुछ ऐसी सीरीज भी बनाई गई है जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो कि सत्य घटना पर बनाई हुई है आज हम ऐसी एक कमाल की सीरीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और अब तो आप इसे में भी देख सकते हैं तो चलिए इस कमाल की सीरीज के बारे में बात करते हैं कहा पर यह आपको देखने को मिलेंगी साथ ही में इसके थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों सीरीज बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग एक बार तो जरूर देखिएगा इस सीरीज का नाम है ताली जिसे 2023 में रिलीज कराया गया था और ये पर बनी हुई सीरीज है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सत्य तिघटना पर आधारित है इसकी रेटिंग बहुत ही शानदार निकल के आई है जो आई है वहाँ पर दस में से आठ की रेटिंग मिली है जो कि वाकई ही एक बहुत ही बढ़िया रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर एटी फाइव परसेंट लोगों ने इसे लाइक दिया था और इस सीरीज़ की जो डायरेक्टर है वो दोस्तों रवि यादव रहे हैं हालांकि वो एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की फिल्में उन्होंने बना रखी है और हाल ही में इनकी एक मूवी भी दोस्तों आई थी मैं अटल हूँ जो काफ़ी बढ़िया रही इस मूवी को भी लोगों ने खूब प्यार दिया है तो अगर हम ताली सीरीज के बारे में थोड़ी बात करें तो अगर आप इसे अभी हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ को दोस्तों हिंदी में एकदम फ्री में देख सकते हैं जियो सिनेमा पे। जियो सिनेमा पे यह आपको एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर ड्रामा भी है और अमित राज का म्यूजिक भी है जो कि एक बेस्ट कॉम्बो बनाता है इस सीरीज को इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और इससे आपको लाइफ में बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस सीरीज की लीड का सुष्मिता सेन है और भी यहाँ पर कास्टिंग है जैसे कि कुर्दिका डीओ अंकुर बाटिया शीतल काले सूरत जोशी विक्रम भाव हेमांगी कवि ऐश्वर्या नरकार हेमंत चौधरी माधव माया रचेल एम सी मानूष ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं ख़ैर यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है जो आपको पसंद आ सकता है इसे आप लोग फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये एक सीरीज़ है और सीरीज़ को कोई सेंसर की जरूरत तो पड़ती नहीं है और ऐसे ये प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है तो हो सकता है कि आपको इसके अंदर कुछ ख़राब सीन देखने को मिल सकते हैं बहुत सारे ऐसे सीन हो गए जो शायद आपको हैरान कर सकते हैं इसलिए आप इसे अकेले देखिए एक आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है दरअसल इस मूवी की जो कहानी है वो गौरी सावंत ने अपने जीवन में सर्वी संघर्ष जो है पूरा दिखाया है जब वे छोटी थे उस समय से ही उसकी माँ गुजर जाती है उसके अपने पिता तक भी स्वपूर्ति नहीं होती है जो उन्हें इस दुनिया में लेकर आए हैं उनकी बड़ी बहन ने उन्हें नकारा था जब बाहर गई तो लोगों ने नकारा हर जगह से ठोकरें खानी पड़ी ये तो समय था जब गणेश की आत्मा में गौरी हावी हो रही थी और गणेश की बेबसी गौरी की दहाड़ में तब्दील हो रही थी फिर तो वक्त भी आया जब गणेश ने पूरी तरह से खुद को गौरी में बदलने का ठान लिया था और यह बदलाव एक मामुल बदलाव नहीं था यह बदलाव पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाने वाला था जो सीढ़ी से नहीं हुआ था वो होने वाला था एपिसोड की ये सीरीज जो है वो श्वाट रखा गया है और गौरी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण इंसिडेंट को इसमें शामिल किया गया है उनका घर छोड़ना किन्नर जाति में शामिल होना एक माँ के तौर पर खुद को विकसित करना और उन फर्स को निभाना साथ ही किन्नर समाज के हक के लिए लड़ना ये सारे घटनाक्रम इस वेब सीरीज के अंदर आपको दिखाया गया है श्री गौरी जीवन श्री गौरी जी का जो जीवन है वो यहाँ पर गाथा आप देख सकते हैं अपने गम बोल जाएंगे और गौरी दशरथ मांझी थी जिन्होंने खुद घटिया मानसिकता और सड़ जोड़ी सड़ चुकी धरणाओं से पहाड़ को अपनी क्रांति की कुल्हाड़ी से काटा और पूरे किन्नर समाज के लिए रास्ता बनाया है इसकी कहानी तो काफी सही है ही साथ ही में जो सुशेदा सहन है वो शायद इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट बैठती है मेरे हिसाब से शायद उनकी जगह पर कोई और होता तो इतनी कमाल की एक्टिंग शायद नहीं कर पाता बालीवुड ए बॉलीवुड में अन्य लीडिंग एक्ट्रेस की तुलना में कम तोज्ह मिली है लेकिन जब जब उनके ऊपर कोई डायरेक्टर ने भरोसा किया है तो उन्होंने है दिल जरूर जीत लिया है डायरेक्टर का वो निराश बिल्कुल भी नहीं करती है इस बात का एग्ज़ाम्पल आप आर्य सीरीज से भी ले सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है अगर आपने इसे नहीं देखा तो आपने बहुत ही बेहतरीन सीरीज को मिस किया है मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों दो रोज़ाना आप ऐसी बहुत सारी फालतू की मूवीज़ देख लेते हैं इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास ये सीरीज़ है जिसे आप एक बार देख सकते हैं ये आपको निराश तो नहीं कराएंगी पर हाँ ये सीरीज़ दोस्तों आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी बहुत ही अच्छी और कमाल की यहाँ पर सीरीज़ का निर्माण किया गया है तो आपको आपके पास अगर समय और टाइम थोड़ा बहुत मिले तो आप इसके एपिसोड बारे बारे देख सकते हैं जो आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे और अब तो ये ब्री में भी उपलब्ध है क्योंकि दोस्तों हमें उन्हीं जो है हम जो देखते हैं उसे सीखते हैं अगर कोई आकर आपको कुछ बताएगा यही स्टोरी आपको कोई बताएगा तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा मगर यही स्टोरी आप देखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ समझ आ जाएगा हालांकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप इसे अपने जीवन में ज़रूर उतार सकते हैं क्योंकि एक अकेला आदमी दोस्तों बहुत कुछ बदल सकता है ये बात यहाँ पर सच साबित होने वाली है तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो इस सीरीज़ को आप लोग एक बार तो जरूर देखिए दोस्तों ये आपको पसंद तो जरूर आने वाली है